आगे सबक देखिए भाई, व कुल्लु मा दल्ला अला हैअतिन ऐ सिफतिन सवा उन काना दालु मुश्तकन औ जामिदन सहा अन यकअ हालन मिन गैरि अन युअव्वल अल जामिदु बिल मुश्तक लिअन अल मक्सूद मिन अल हाल बयानुल हैअति व हुवा हासिलुन बिही व हादा रद्दुन अला जमहूरिन नुहात। भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे काफिया ने आपको बतलाया था कि हाल जो है वो आमिले मानवी पर मुकदम नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि आमिले मानवी ज़ईफ है, वो अपने माबाद में तो अमल कर सकता है, अपने से माकबल में अमल नहीं कर सकता। बेखिलाफ ज़र्फ के कि जब हाल के अंदर आमिल ज़र्फ हो तो उसमें इख्तिलाफ है। इमाम सीबोवे तो फरमाते हैं कि ज़र्फ भी आमिले ज़ईफ है, लिहाजा इस पर इसके मामूल यानी हाल को मुकदम नहीं कर सकते। लेकिन इमाम अख़फ़श रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक सूरत में ज़र्फ पर हाल को मुकदम कर सकते हैं कि जब उस हाल से पहले मुबतदा आ रहा हो, उस हाल से पहले मुबतदा आ रहा हो तो इस सूरत में हाल को ज़र्फ पर मुकदम कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ज़र्फ के अंदर जो जमीर है वो है ज़ुल्हाल और वो जमीर राजे है मुबतदा को, तो हाल जो है वो ज़र्फ पर तो मुकदम हो गया लेकिन अभी भी वो चीज जो हकीकत में ज़ुल्हाल है अभी भी वो उस पर मुकदम है। तो गोया यूं कहो कि हाल पूरी तरह ज़र्फ पर मुकदम हुआ ही नहीं, क्योंकि ज़र्फ के अंदर ज़ुल्हाल भी था भाई, तो पूरी तरह मुकदम तो तब होता जब ज़र्फ पर भी मुकदम हो जाता और ज़ुल्हाल पर भी मुकदम हो जाता, लेकिन ज़ुल्हाल जो हकीकत में है वो तो अभी भी उससे पहले आ रहा है यानी वो जो मुबतदा है, तो लिहाजा ये सूरत जायज है। हाँ वो सूरत की जिसके अंदर मुबतदा मुअख्खर हो तो फिर हाल को अपने आमिल ज़र्फ पर मुकदम करना जायज नहीं है भाई। और फिर बतलाया था साहिबे जामी ने कि इस कलाम के अंदर एक एहतमाल ये भी है कि इसका माना यूं किया जाए कि हाल की मुशाबहत है ज़र्फ के साथ, क्योंकि हाल की तावील की जाए ज़र्फ के साथ तो सही होती है, जैसे जा अनी ज़ैदुन राकिबन, यहां राकिबन हाल है लेकिन इसको ज़र्फ बना लें फिर भी माना कलाम का सही रहता है, जा अनी ज़ैदुन वक्तर रुकूबी, तो राकिबन को हमने किससे बदल दिया, वक्तर रुकूब से ज़र्फ के साथ तावील कर ली हमने हाल की, तो कलाम का माना फिर भी सही रहता है। मालूम हुआ हाल की मुशाबहत है ज़र्फ के साथ, तो शुबा पैदा हुआ शायद ज़र्फ को भी मुकदम करना जायज नहीं होगा क्योंकि उसके साथ इसकी मुशाबहत है, तो बतलाया कि नहीं ज़र्फ के अंदर वुसअत है, ये अपने आमिले मानवी पर मुकदम हो सकता है भाई। और फिर साहिबे जामी ने बतलाया था कि ये दो एहतमाल हमने जिक्र किए उस सूरत पर जबकि ज़र्फ जो है वो आमिले मानवी में दाखिल ना हो, और अगर आप ज़र्फ को भी आमिले मानवी में दाखिल कर लें जैसा कि जमहूर नहवियों का मजहब है वो ज़र्फ को आमिले मानवी में शुमार करते हैं, वो ज़र्फ को आमिले मानवी के अंदर शुमार करते हैं, जबकि साहिबे जामी ने बताया कि ज़र्फ मुकद्दर बिल फेल होता है या मुकद्दर बिशिब हिल फेल होता है, तो ये फेल या शिबह फेल के अंदर दाखिल है, ये आमिले मानवी नहीं, जबकि जमहूर कहते हैं कि ये ज़र्फ जो है ये आमिले मानवी है। वजह क्या, वजह वो जहां पर जिक्र आया था, जरा वो जगह निकालें भाई, जहां पर आया था हाल के अंदर आमिल फेल होगा या शिबह फेल होगा या माना फेल होगा, जरा वो किताब की इबारत निकालें फिर आपको बात समझ में आएगी भाई कि जमहूर के नजदीक ज़र्फ आमिले मानवी में से क्यों है, जमहूर के नजदीक ज़र्फ आमिले मानवी में से क्यों है। यहां देखो मतन में आया था वह आमिलु हल फेलु औ शिबहु औ मानाहु, हाल का आमिल या तो फेल होगा या शिबहे फेल होगा या माना फेल होगा, यहां शिबहु के बाद आया था
शिबहू की तफसीर की थी साहिबे जामी ने कि शिबह फेल किसे कहते हैं, वह हुआ मा यामलु अमल अल फेली, वो जो फेल के अमल करता है, वह हुआ मिन तरकीब ही, और वो फेल की तरकीब से होता है, किससे, फेल की तरकीब से होता है। तो जमहूर के नजदीक, जमहूर के नजदीक शिबह फेल का फेल की तरकीब में से होना जरूरी, यानी उसका वही मादा होना चाहिए जो फेल का मादा था। और मुझे बताइए फिदार, ये जार मजरूर, ये जर्फ है, क्या इसका फेल वाला मादा है, या आइंदा का, कोई भी जर्फ ले आए, चाहे जर्फ हकीकी ले आए या जर्फ मजाजी ले आए, फिदार ये भी फेल का मादा नहीं, इसी तरह आइंदा का ये भी फेल वाला मादा नहीं, या बादा का या काबला का, तो जो भी जर्फ आप देख ले वो फेल वाला मादा नहीं। तो लिहाजा जमहूर के नजदीक चूंकि इसका मादा फेल वाला नहीं, लिहाजा ये माना फेल में दाखिल है, फेल या शिबहे फेल में दाखिल नहीं है। जबकि साहिब जामी ने फरमाया था कि ये जो जर्फ होता है या मुकद्दर बिल फेल होता है या मुकद्दर भी शिबहिल फेल होता है, यानी हर फिदार या आइंदा का वगैरह जो जर्फ मुस्तकर होगा वहां सबता या साबितुन मुकद्दर होता है, और सबता या साबितुन तो फेल या शिबहे फेल है। तो इस तावील पर साहिब जामी ने जर्फ को किस में दाखिल किया था, फेल या शिबह फेल में। अब फर्क समझ में आया, तो यह वजह है जमहूर कहते हैं, जमहूर नहवी फरमाते हैं कि जो जर्फ है यह आमिल मानवी में से है, जब आमिल मानवी में से है तो फिर यह जो गुज़श्ता सबक में हमने पढ़ा कि वला ततकद्दमु अलल आमिल मानवी, ये बेखिलाफ जर्फी, तो अगर जमहूर वाला माना किया जाए जर्फ का, यानी इसको आमिले मानवी में शुमार किया जाए, फिर यहां सिर्फ वो दूसरी तावील जारी हो सकती है। कौन सी तावील, वो जो कहा था कि हाल आमिले मानवी पर मुकदम नहीं हो सकता बेखिलाफ जर्फी, बेखिलाफ जर्फ के, कि वो अगरचे हाल के मुशाबे है लेकिन वो अपने आमिले मानवी पर मुकदम हो सकता है। पहली तावील यहां नहीं कर सकते, पहली तावील कौन सी थी कि हाल आमिल मानवी पर मुकदम नहीं हो सकता बेखिलाफ जर्फी, बेखिलाफ जर्फ के, यानी वो अगर आमिल हो हाल के अंदर तो उसमें इख्तिलाफ है, उसमें यह तौजीह सिर्फ साहिब जामी के कॉल पर की जा सकती है। उन्होंने कहा था कि जर्फ आमिल मानवी नहीं आमिल लफ्जी है, तो यह तौजीह ठीक हो गई थी। लेकिन अगर जमहूर का कॉल लिया जाए तो फिर तो मालूम हुआ माकबल में भी आमिल मानवी का जिक्र और बिखिलाफ जर्फ यहां भी किसके जिक्र है, आमिल मानवी का, यह तो दोनों बातों में तजाद आ गया, तनाकुज आ गया। माकबल में कहा कि आमिल मानवी पर हाल मुकदम नहीं हो सकता, तो उसी के अंदर जर्फ भी दाखिल था, मालूम हुआ जर्फ पर भी हाल मुकदम नहीं हो सकता। और आगे कह रहे हैं बेखिलाफ इस जर्फी, बेखिलाफ किसके, जर्फ के, इससे पता चला इसमें यानी इख्तिलाफ है, यानी मुकदम हो सकता है बास के नजदीक, तो दोनों बातों में क्या लाजिम आएगा, तनाकुज लाजिम आएगा। बात समझ में आ गई, तो आप यूं भी नहीं कह सकते कि भाई आमिल मानवी के अंदर जर्फ दाखिल था फिर बेखिलाफ के जरिए इसको निकालकर इसका हुक्म अलग बयान कर दिया गया। वजह यह कि फिर इस सूरत में हरफे इस्तिस्ना वगैरह लाया जाता है, एक चीज माकबल में दाखिल हो और फिर आप उसको निकालना चाहें तो इस्तिस्ना वगैरह के हुरूफ लाए जाते हैं, और ये बेखिलाफ ये तो इस्तिस्ना का हर्फ नहीं है भाई। बात समझ में आ गई, फिर तो यूं कहते कि वला ततकद्दमु अलल आमिल मानवी इल्ला ज़र्फ, तो फिर तो इल्ला ज़र्फ जैसी इबारत लानी चाहिए थी, आमिल मानवी पर मुकदम नहीं हो सकता, उसमें जर्फ भी दाखिल था, फिर इल्ला जर्फ कहकर जर्फ का क्या कर लिया जाता, इस्तिस्ना कर लिया जाता। तो लिहाजा पहली तावील यहां अगर जमहूर के कौल को लिया जाए, जर्फ को आमिल मानवी में दाखिल किया जाए, तो पहली तावील यहां नहीं हो सकती क्योंकि फिर दोनों बातों में तनाकुज आएगा। हां दूसरी तावील, दूसरा इहतमाल जारी हो सकता है के हाल की मुशाबहत है जर्फ के साथ, तो हाल तो अपने आमिल मानवी पर मुकदम नहीं हो सकता, लेकिन जर्फ जो है उसके साथ अगरचे हाल की मुशाबहत है लेकिन यह अपने आमिल मानवी पर मुकदम हो सकता है। बात समझ में आ गई। और उसके बाद फिर साहिब काफिया ने आपको यह भी बतलाया था कि हाल जो है वो जुल हाल मजरूर पर भी मुकदम नहीं हो सकता,
इसलिए क्योंकि ज़ुल्हाल मजरूर दो हैं, एक मजरूर ब इजाफत और एक मजरूर ब हरफे जर। मजरूर ब इजाफत में तो बिल इत्तेफाक ज़र्फ उस पर मुकदम नहीं हो सकता। वजह यह कि यह जो ज़र्फ है यह ताबे है और फरा है ज़ुल्हाल की, और ज़ुल्हाल जो है वो जब मुजाफिले बन रहा है तो वो अपने मुजाफ पर मुकदम नहीं हो सकता, तो इसका जो ताबिअ है यानी हाल वो मुजाफ पर बतरीके औला मुकदम नहीं हो सकता। और दूसरा ज़ुल्हाल वो है जो मजरूर हो बहरफे जर, उसके अंदर कहते हैं इमाम सीबवे और अक्सर बसरी उलमा जो हैं उनके नजदीक वो ज़ुल्हाल जो मजरूर बहरफे जर है उस पर भी हाल को मुकदम नहीं किया जा सकता। और वही इल्लत है यहां पर भी कि यह ज़ुल्हाल जो है यह खुद हरफे जर पर मुकदम नहीं हो सकता, तो इसका ताबिया जो है वह बतरीके औला हरफे जर पर मुकदम नहीं हो सकता। लेकिन बाज़ उलमा से नकल किया गया है कि वो फरमाते हैं कि अगर ज़ुल्हाल मजरूर बहरफे जर हो तो उस पर हाल को मुकदम करना जायज है, और वो इस्तेदलाल करते हैं अल्लाह ताला के इस कौल से वमा अरसलना का इल्ला का फतल लिन्नासी। निहायत कवि इस्तेदलाल है क्योंकि इस आयत के अंदर यह काफतन हाल वाके हो रहा है अन्नास से, और अन्नास पर लाम जारा दाखिल है, और फिर भी इस पर काफतन हाल को मुकदम कर दिया गया। मैंने बताया था काफतन का माना है जमीअन यानी सब, और ये हमेशा हाल वाके होता है कलाम अरब के अंदर, तो यहां पर भी यह हाल वाके हो रहा है अन्नास से भाई। और फिर ये वजह क्या है, फिर फर्क की वजह क्या है, ये जो उलमा हैं जिन्होंने हाल को उस ज़ुल्हाल पर मुकदम करना जायज करार दिया है जो मजरूर बहरफे जर हो, इन्होंने फर्क क्यों किया? क्योंकि ये भी कहते हैं कि अगर वो ज़ुल्हाल मजरूर, अगर मजरूर ब इजाफत है तो उस पर मुकदम नहीं कर सकते, और अगर मजरूर ब हरफ जर है तो उस पर मुकदम कर सकते हैं, तो फिर दोनों में फर्क की वजह क्या है? तो साहिब जामी ने वजह जिक्र की थी कि शायद फर्क की वजह यह है कि हरफ जर जो है वो फेल को मुतअद्दी बनाता है, जैसे हमजा और तज़ईफ जो है वो फेल को मुतअद्दी बना देते हैं। करुमा का माना खुद मुअज्जज होना, खुद मुअज्जज होना, और इसी को बाबे इफ़ाल में ले गए, अकरमा एक हमजा बढ़ा दिया, या करमा बाबे तफ़ईल के अंदर ले गए यानी एक रा का इजाफा कर दिया यानी तज़ईफ कर दी। तज़ईफ का माना एक चीज को दुगना करना, बात समझ में आ गई? तो यहां देखो करमा में ले गए, वही करुमा के अंदर एक रा थी, करमा में दो रा कर दी। तो देखो जैसे किसी फेल को मुतअद्दी बनाना हो तो उसको बाबे इफ़ाल या बाबे तफ़ईल में ले जाते हैं, और वहां हमजा और तज़ईफ की वजह से वो फेल मुतअद्दी हो जाता है, और वो हमजा और तज़ईफ फेल का जुज होते हैं। इसी तरह हरफे जर के जरिए भी किसी फेल को मुतअद्दी बनाया जाता है, तो यह भी फेल के जुज की तरह ही है। यह हरफे जर भी जैसे वो हमजा, जैसे वो हमजा जो किस में आई थी बाबे इफ़ाल में, जैसे वो तज़ईफ किसके अंदर आई थी बाबे तफ़ईल में, जैसे वो हमजा और तज़ईफ की वजह से फेल मुतअद्दी बना था, और वो हमजा फेल का जुज था। अकरमा ये हमजा फेल का जुज है, करमा ये रा दूसरी जिसका इजाफा किया ये भी क्या है, फेल का जुज। तो जैसे हमजा और तज़ईफ जो है वो फेल के जुज होते हैं, उनके जरिए फेल को मुतअद्दी बनाते हैं और वो फेल का जुज होते हैं, इसी तरह यह हरफे जर के जरिए भी फेल को मुतअद्दी बनाया जाता है, तो ये भी फेल के जुज की तरह हुआ। और ये जो मजरूर होता है बहरफ जर ये हकीकत में मंसूब है क्योंकि ये मफूल भी ही गैर सरीह है, तो इस हरफ जर पर अगर हाल को मुकदम भी कर दिया जाए तो ये इसी तरह है जैसे किसी मंसूब पर हाल को मुकदम किया गया है यानी मफूल बिही पर, और मफूल बिही पर तो हाल को मुकदम करना बिल इत्तेफाक जायज है, तो लिहाजा ये भी उसी की तरह है तो ये भी जायज है। बात समझ में आ गई? जबकि बाजों ने फिर जवाब दिए थे इस इस्तेदलाल के, और कहा उन्होंने कि ये काफतन को लिन्नास हाल न बनाए, बल्कि काफतन को वमा अरसलना का इस काफ से इसको हाल बनाए, इस काफ से, और इसको कफा या कुफू फेल से, कफा या कुफू फेल से ये इसमें फाइल है, तो काफा का माना हुआ रोकने वाला, रोकने वाला। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह खिताब फरमा रहे हैं, वमा अरसलना का, और ए पैगंबर हमने आपको नहीं भेजा, इल्ला काफतल लिन्नासी, मगर ये कि आप रोकने वाले हैं लोगों को यानी शिर्क और गुनाहों से और मासी से।
तो फिर इस पर इश्काल होता है कि अगर ये काफ जमीर से हाल है तो काफ जमीर तो मुजक्कर की है और काफ वतन के साथ ये आपने बताया इसमें फाइल है और इसमें फाइल के साथ तो जो ता आती है वो तानीस वाली होती है जैसे जारिबुन और जारिबतुन, तो फिर ये ता कहां से आ गई? तो वो जवाब देते हैं कि ये ता मुबालगे के लिए है, ये ता मुबालगे के लिए है, जैसे अल्लामतुन के अंदर ये ता मुबालगे के लिए है, तानीस के लिए नहीं है भाई। अल्लामतुन ये मर्दों के लिए आम इस्तेमाल होता है ये लफ्ज भाई, तो अगर ये तानीस वाली होती तो अल्लामतुन का इतलाक मर्दों पर कैसे हो सकता था? तो बाजों ने ये जवाब दिया और बाजों ने कहा कि ये काफतन मफूल मुतलक है और इसका मौसूफ जो है वो महजूफ है जो रिसालतन है। तो पीछे भी अरसलना का फेल जिकर और आगे भी रिसालतन का फतन आया तो ये मफूल मुतलक है, यानी ये काफतन उस रिसालतन की सिफत है। तो ये खुद तो मफूल मुतलक नहीं, ये मफूल मुतलक की सिफत है। या यूं कहो कि काफतन मफूल मुतलक है बेतबार अपने मौसूफे महजूफ के। तो माना क्या हुआ? वमा अरसलना का इल्ला रिसालतन का फतल लिन्नासी, और ए पैगंबर हमने आपको नहीं भेजा मगर ऐसी रिसालत के साथ कि जो लोगों को रोकने वाली है, मना करने वाली है भाई। बात समझ में आ गई? तो गोया मुबालगा करते हुए उस रिसालत को ही काफा करार दे दिया गया, मुबालगा करते हुए कि वो रिसालत ही जो हमने आपको दी है वो ऐसी है कि लोगों को गुनाहों से रोकने वाली है। और जबकि बाजों ने कहा कि काफतन के लिए रिसालतन मौसूफ महजूफ निकालने की कोई हाजत नहीं, इसी को बराह रास्त मफूल मुतलक बना दें, यानी ये खुद ही मस्दर है और ये काजिबतुन आफियतुन के वजन पर है। मालूम हुआ इस वजन पर मस्दर आते हैं, तो काफतुन को भी क्या करार दे दिया जाए, इसको भी मस्दर करार दिया जाए, तो ये खुद ही बराह रास्त मफूल मुतलक बन जाएगा। और फिर इसके लिए फेल महजूफ निकाल लेंगे, ऐ तकुफ काफतन, आप मना करते हैं, तकुफ काफतन, आप लोगों को मना करते हैं हर तरह के गुनाहों से। लेकिन साहिब जामी ने फरमाया था वल कुल्लु तकल्लुफुन व तअस्सुफुन, कि इन सब में तकल्लुफ और तअस्सुफ है। तकल्लुफ और तअस्सुफ का एक माना ये अथवे तफसीरी है भाई। तकल्लुफ कहते हैं कि जोर लगाकर बात बनाना, बात बन न रही हो लेकिन बात बनाना, तो इन सब जवाबों में इसी तरह है, यानी अल्फाज की इस माना पर दलालत वाजह नहीं जो आप जवाब दे रहे हैं। और सब में तकल्लुफ किस तरह है? पहले जवाब वालों ने क्या कहा था, ये ता मुबालगे वाली है, इसमें भी तकल्लुफ है, मुबालगे की ता जो है इसमें फाइल के सीगे में नहीं आती भाई, वो तो मुबालगे के सीगों के अंदर अमूमन वो ता मुबालगे वाली आती है। और दूसरों ने जो जवाब दिया था कि ये मफूल मुतलक है बाएतबारे मौसूफ महजूफ के, उनको भी तकल्लुफ से काम लेना पड़ा, यानी मफूल मुतलक महजूफ निकालना पड़ा भाई। और तीसरों ने कहा था कि यही मस्तर है, ये खुद ही मस्तर है काजिबतुन और आफियतुन के वजन पर, उसमें भी तकल्लुफ है, इसलिए क्योंकि वो लुगत के अंदर यानी जुबान के अंदर कियास कर रहे हैं और लुगत के अंदर कियास जारी नहीं होता। कियास तो मसाइल में होता है, एक मसला कुरान और हदीस से नहीं मिल रहा तो उस जैसे मसले पर उसको कियास करके उसका हुक्म मालूम कर लिया जाता है। जबकि अरबी लुगत में एक लफ्ज का आप कहें यह माना है क्योंकि इस जैसे लफ्ज का यह माना होता है, यह तो आप लुगत में कियास कर रहे हैं, लुगत में कियास जारी नहीं होता, लुगत में सीमा जरूरी है। हां, आप हमें कोई ऐसी जगह कोई ऐसा शेर बतलाते जो मुतकद्दिमीन शुआरा थे, फसीह शुआरा थे अरब के, उनके कलाम में हमें कहीं ये काफतुन का लफ्ज बतौर मसदर के इस्तेमाल हुआ हो वो दिखाते तो फिर आपकी दलील ठीक थी। तो यहां कियास के जरिए आप इसको मसदर साबित नहीं कर सकते, तो इन सब में तकल्लुफ है। मालूम हुआ वो जिन्होंने इस्तेदलाल किया था वमा अरसलना का इल्ला काफतन लिन्नास, के काफतन हाल है लिन्नास से, उनका इस्तेदलाल निहायत कवी है। बात समझ में आ गई जी। अब आइए आगे आज के सबक पर। कहते हैं वकुल्लु मा दल्ला अला है अतिन ऐ सिफतिन सवा उनका नद्दालु मुश्तकन औ जामिदन सहा अन यका हालन। भाई मतन मतन पहले देख लीजिए। कहते हैं वकुल्लु मा दल्ला अला है अतिन सहा अन यका हालन मिसलु हादा बुसरन अतयबु मिन्हु रुतबन।
यहां से साहिब काफिया जमहूर नहवियों से इख्तिलाफ कर रहे हैं, तवज्जो है, जमहूर नहवी फरमाते हैं कि हाल का मुश्तक होना जरूरी है, हाल कोई मुश्तक का सीगा होना चाहिए, यानी इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा वगैरह, हाल क्या होना चाहिए, मुश्तक का सीगा होना चाहिए जो मस्दर से बना हो। चुनांचे जहां कहीं हाल कोई ऐसा सीगा आ जाए जो मुश्तक नहीं है बल्कि इसमें जामिद है, इसमें जामिद आप जानते हैं कि जो न खुद किसी से बना हो और न आगे कोई और लफ्ज इससे बने, वो है इसमें जामिद। चुनांचे बाज जगह हाल ऐसा लफ्ज आता है जो इसमें जामिद होता है, तो वहां पर फिर जमहूर को तावील करना पड़ती है, जमहूर को, क्योंकि जमहूर का जाब्ता यह है कि हाल जो है वो मुश्तक का सीगा होना चाहिए। साहिब काफिया उन जमहूर से इख्तिलाफ कर रहे हैं और फरमाते हैं कि नहीं, हाल के लिए मुश्तक का सीगा होना जरूरी नहीं, हर वो लफ्ज जो किसी हालत पर, जो किसी सिफत पर दलालत करे उसका हाल बनना सही है। जब वो किसी हालत और सिफत पर दलालत कर रहा है तो हाल, हाल का भी यही मकसद होता है, वो भी किसी की हालत और सिफत बयान करता है। जा अनी जैदुन राकीबन, मेरे पास जैद सवार होकर आया, ये राकीबन हाल है, देखो ये राकीबन किसकी हालत बयान कर रहा है, जैद की हालत बयान कर रहा है, तो जैसे हाल हालत बयान करता है तो इसी तरह कोई भी इसमें जामिद ही क्यों ना हो, वो जब किसी चीज की हालत बयान कर रहा हो तो उसका हाल बनना सही है, उसमें कोई तावील करके उसको मुश्तक बनाने की जरूरत नहीं। जमहूर तो क्या करते हैं, अगर इसमें जामिद आ जाए तो उसको तावील करके उसको मुश्तक की तावील में कर लेते हैं, लेकिन साहिब काफिया फरमाते हैं कोई तावील करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं वकुल्लु मा दल्ला अला हैअतिन सहा अन यका हालन, और हर वो लफ्ज जो दलालत करे किसी हैअत पर, किसी सिफत पर, सही है उसका हाल वाके होना, मिसलु मिसाल के तौर पर, हाजा बुसरन अतयबु मिन्हु रुतबन, भाई कल भी मैंने कुछ तशरीह की थी इसकी, फिर दोबारा सुन लें, बुसर ये नीम पुख्ता खजूर को कहते हैं, और रुतब जो पूरी पक गई हो, यानी पुख्ता खजूर है, यूं कहें ताजा पुख्ता खजूर, उसको क्या कहते हैं, रुतब। तफसील समझ लें, जैसे हर फल इब्तिदा में छोटा होता है फिर आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अपनी मिकदार को पहुंचता है और फिर उसके बाद वो पकना शुरू हो जाता है, इसी तरह खजूर भी बढ़ते बढ़ते जब अपनी मिकदार को पहुंच जाती है उसके बाद फिर उसमें मिठास आने लगती है, पहले उसका रंग बदलता है, जर्द रंग की हो जाती है या सुर्ख रंग की, अब उसमें मिठास आ गई, लेकिन अभी भी पूरी तरह मिठास तो नहीं आई, लेकिन अच्छी खासी मिठास आ जाती है और अभी भी वो सख्त है भाई, अभी भी सख्त है भाई, और इसको सरायकी वगैरह बाज जुबानों में या पश्तों में भी इसी तरह इसको डोका कहते हैं, डोका, उर्दू में इसका कोई नाम नहीं। खजूर का फल बड़ा हो गया है, अपनी मिकदार को पहुंच गया जितना बड़ा उसने होना था, और फिर उसके बाद उसका रंग जर्द हो गया है या सुर्ख हो गया है, उसमें मिठास आ गई है लेकिन है अभी भी सख्त भाई, तो इसको क्या कहते हैं, डोका। फिर उसके बाद ये पकना शुरू होती है, यूं समझे इसके किसी हिस्से पे जैसे दाग पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है यानी वहां से नरम होना शुरू होती है, कभी एक हिस्से पर कभी दो हिस्सों पर वो दाग सा पड़ता है और वो नरम होना, और फिर वो फैलता चला जाता है और फिर दो चार दिन में पूरी खजूर नरम हो जाती है। बात समझ में आ गई, तो ये जो दाग पड़ गया, कुछ हिस्सा नरम होना शुरू हो गया, अभी पूरी खजूर नरम नहीं हुई, तो ये है नीम पुख्ता खजूर, नीम पुख्ता खजूर, और फिर होते होते पूरी खजूर नरम हो जाती है, ये है ताजा पुख्ता खजूर। ये जो पूरी नरम हो गई ताजा पुख्ता खजूर, इसको कहते हैं रुतब भाई, रा है त्वा है त्वाजा और बा है रुतब भाई, त्वा पर फतहा है, यह ताजा पकी हुई खजूर है, और इससे माकबल वाली जो हालत थी नीम पुख्ता, बास कहते हैं उसको कहते हैं बुसरुन, कुछ हिस्सा नरम हो चुका कुछ हिस्सा अभी नरम नहीं हुआ भाई, और जबकि बास ने लिखा है कि जब खजूर का बस रंग बदल जाए, यानी वो जर्द या सुरख हो गई, अभी नरम नहीं हुई जरा भी, लेकिन चूंकि जर्द या सुरख हो गई है और उसमें मिठास आ चुकी है तो उसको बुसर कहते हैं। तो बाजों ने कहा बुसर वो हालत है जब अभी नरम नहीं हुई, और बाजों ने कहा कि कुछ नरम हो चुकी है वो है बुसर भाई,
और रुतब किसको कहते हैं, जब पूरी नरम हो चुकी है। और तमर, तमर याद रखो ये जो खजूर को जब दरख्त से उतारा जाता है तो ये इसमें रस ज्यादा होता है, चुनांचे फिर इसको अगर आपने लंबे अरसे के लिए महफूज करना है तो फिर इसको कुछ धूप लगवाई जाती है, धूप में इनको फैलाकर रख दिया जाता है और फिर कुछ जो जायद उसमें रस और पानी होता है वो खुश्क हो जाता है। ये जो बाजार में आप खजूर खरीदते हैं इनको भी धूप लगवाकर कुछ खुश्क किया जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर दरख्त से उतारेंगे उसमें रस बहुत ज्यादा होता है तो उसको आप बंद करेंगे तो वो तो एक दो दिन में उसमें बदबू पैदा हो जाएगी, रस ज्यादा होने की वजह से बदबू पैदा हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये जो भी खजूर बाजार में लाई जाती है बेचने के लिए उसको थोड़ा सा खुश करते हैं। तो कदीम जमाना तो यही था, धूप में रखते थे, अब हो सकता है और भी तरीके हों भाई, बात समझ में आ रही है। तो बहरहाल जायद रस को खुश्क किया जाता है, अगर वो खुश्क नहीं करेंगे तो खजूर खराब हो जाएगी। तो ये जो जायद रस कुछ खुश्क कर लिया इसको फिर कहते हैं तम्र। तफसील समझ में आ गई। बुसर किसे कहते हैं, वो जो रंग जर्द हो गया या सुर्ख हो गया लेकिन अभी सख्त है, बाजों ने ये लिखा और बाजों ने कहा जब कुछ नरम हो चुकी है, कुछ हिस्सा नरम हुआ है कुछ हिस्सा भी नरम नहीं, यानी नीम पुख्ता जो है वो है बुसर। और रुतब किसे कहते हैं, वो जो ताजा पक गई, पूरी खजूर नरम हो गई, पूरी मिठास उसमें आ गई, ताजा है बिल्कुल, वो है रुतब। और फिर दरख्त से उतार कर जब इसको थोड़ा सा खुश्क भी कर लिया तो अब इसको तमरून कहते हैं। तो चुनाचे बाज ने फिर तम्र का माना छुआरे के किया है, छुआरा, लेकिन नहीं, तम्र का माना छुआरा नहीं, गलतफहमी शायद इस वजह से हुई कि मैंने बताया तम्र को कुछ वक्त धूप में खुश्क करते हैं तो उन्होंने फिर क्या समझा शायद इससे क्या मुराद है, छुआरा। हालांकि मुझे बताइए अरबी जुबान में छुआरे को तम्र कहते हैं या हर खजूर जो मिलती है उसको तम्र कहते हैं, हर खजूर आम मिल रही होती है उसको वो तमर कहते हैं, तो वो वही खजूर है जो आम मिलती है और उसको कुछ ना कुछ धूप में खुश्क किया गया होता है। तफसील समझ में आ गई। अब देखो एक शख्स दूसरे शख्स को बतलाना चाहता है किसी एक खजूर के बारे में, मसलन उसके बाग में कोई दरख्त लगा है उसकी खजूरों के बारे में वो बतलाना चाहता है। होता तो अमूमन यह है कि जब खजूर रुतब बन गई है, ताजा पूरी तरह पक गई है, ताजा पुख्ता खजूर, वो ज्यादा मीठी होती है किसके मुकाबले में, बुसर के मुकाबले में, जो जिसमें अभी पूरी तरह पुख्ता नहीं हुई। लेकिन वो किसी को बतलाता है कि ये जो खजूर है ये बुसर की हालत में ज्यादा अच्छी और ज्यादा मीठी होती है किसके मुकाबले में, रुतब के मुकाबले में। हालांकि होता तो अमूमन क्या है, रुतब की हालत में खजूर ज्यादा मीठी होती है, लेकिन वह उसको बताता है कि यह वाली खजूर, इसकी एक हालत है बुसर वाली और इसी खजूर की एक हालत है रुतब वाली। तो ये दोनों हालतें एक ही खजूर की जिक्र हो रही हैं। इसी खजूर की एक हालत कौन सी है, बुसर वाली, और इसी खजूर की एक हालत कौन सी है, रुतब वाली। तो ये खजूर जो है बुसर वाली हालत में ज्यादा अच्छी होती है इसी खजूर के मुकाबले में जब यह रुतब की हालत में हो। मालूम है बुसर और रुतब ये एक ही खजूर के दो मुख्तलिफ अहवाल जिक्र हो रहे हैं, उन्हीं में से एक को मुफज्जल बनाया गया, दूसरे को मुफज्जल अलैह। मुफज्जल मैंने बताया उसको कहते हैं जिसको दूसरे पर फजीलत दी गई है। देखो इसमें तफजील इस्तेमाल किया जाता है एक चीज को दूसरी चीज पर फजीलत देने के लिए। मैं कहता हूं ज़ैदुन अज़रबु मिन अमरीन, ज़ैद ज्यादा पिटाई करने वाला है अमर के मुकाबले में, तो मैंने किसको फजीलत दी, जैद को, तो जैद हुआ मुफज्जल, यानी जिसको फजीलत दी गई है, जिसको ज्यादा बतलाया गया है। और किसके मुकाबले में, अमर के मुकाबले में, तो अमर हुआ मुफज्जल अलै भाई, यानी जिस पर फजीलत दी गई है। तो यहां पर भी अतयब, अतयब इसमें तफजील है, अतयब का क्या माना, ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छा। तो उसी खजूर की एक हालत कौन सी हुई, बुसर वाली, वो है मुफज्जल, और दूसरी हालत रुतब वाली है और वो है मुफज्जल अलै भाई। देखिए भाई इबारत कहते हैं मिसलु, मिसाल के तौर पर, हादा बुसरन, ये खजूर बुसर होने की हालत में, अतयब, ये ज्यादा अच्छी है, मिनहु, इसी खजूर के मुकाबले में, मिनहु की हाज अमीर, इसी हाजा को राजे है, ये खजूर बुसर होने की हालत में ये ज्यादा अच्छी है, मिन हो, इसी खजूर के मुकाबले में, रुतबन, इस हाल में कि ये रुतब हो। कलाम का माना अच्छी तरह समझ में आ गया। तो बात चल रही थी, जमहूर फरमाते हैं
कि हाल का मुश्तक होना जरूरी है, इसमें जामिद हाल नहीं बन सकता, तो कहीं इसमें जामिद हाल आ जाए तो वो उसको मुश्तक की तावील में कर लेते हैं। जैसे यहां पर ये बुसरन, ये बुसर जो है इसमें जामिद है, और इसी तरह रुतब ये भी इसमें जामिद, और ये दोनों हाल वाके हो रहे हैं। तो जमहूर फरमाते हैं कि ये बुसर बमाने मुबसिर के है, इसमें फाइल, इसमें फाइल मुश्तक होता है। तो बुसर किस माना में, मुबसिर यानी नीम पुख्ता भाई, तो बुसर किस माना में, मुबसिर इसमें फाइल के माना में, और रुतब बमाने मुरतिब के है इसमें फाइल के भाई। तो देखो इसमें जामिद हाल वाके हुआ तो जमहूर मोहताज हुए कि इसकी तावील किसके साथ करें, मुश्तक के साथ करें। तो बुसर की तावील किसके साथ की, मुबसिर, माना वही है, माना वही है, और रुतब की तावील किसके साथ की, मुरतिब भाई। लेकिन साहिब काफिया फरमाते हैं नहीं, कोई तावील करने की जरूरत नहीं, हर वो लफ्ज जो किसी हैअत किसी सिफत पर दलालत कर रहा हो वो हाल वाके हो सकता है। बुसर एक खास हालत पर दलालत कर रही है, इसमें जामिद है लेकिन ये हाल बन सकता है, कोई तावील करने की जरूरत नहीं। और इसी तरह रुतब भी जो है खजूर की एक हालत पर दलालत कर रहा है, लिहाजा कोई तावील करने की जरूरत नहीं, ये खुद ही हाल है। इसी तरह भाई इख्तिलाफ समझ में आ गया। देखिए भाई अभी सारे को शरा के साथ कहते हैं वकुल्लु मा दल्ला अला हैअतिन ऐ सिफतिन, और हर वो चीज जो दलालत करे किसी हैअत यानी किसी सिफत पर, सवा उनका न दालु मुश्तकन औ जामिदन, बराबर है कि वो दलालत करने वाला लफ्ज जो है मुश्तकन औ जामिदन, वो मुश्तक हो या जामिद हो, सहा अन यका हालन, सही है उसका हाल वाके होना। हालन, ये लाम को मुशद्दद न पढ़ना भाई, हाल में लाम मुशद्दद नहीं है भाई। तो सहा अय्यका हालन, सही है उसका हाल वाके होना, मिन गैरी अय्यु अव्वल अल जामिदु बिल मुश्तकी, बगैर इसके के तावील की जाए उस इसमें जामिद की मुश्तक के साथ, लिअन्न अल मकसूद मिन अल हाल बयान अल हैअति, इसलिए क्योंकि हाल से जो मकसूद होता है वो हैअत यानी सिफत को बयान करना होता है, वह हुआ हासिलुन बिही, और वो इस जामिद के जरिए हासिल हो रही है। वहादा रद्दुन अला जमहूर नुहाती, और ये रद्द है जमहूर नहवियों पर, हैसु शरतु इश्तिकाकल हाली, इस हैसियत से कि उन्होंने शर्त लगाई है हाल के मुश्तक होने की, व तकल्लफु फी तावील जवामिद बिल मुश्तकी, और उन्होंने तकल्लुफ किया कि जवामिद जो है, जवामिद जमा है जामिद की, व तकल्लफु फी तावील जवामिद बिल मुश्तकी, और उन्होंने तकल्लुफ किया अस्माए जामिदा की तावील मुश्तक के साथ करने में, वमा हाजा, और बावजूद इसके, फला शक का, इस बात में कोई शक नहीं कि अन्नल अगलबा फिल हाल इल इश्तिकाकु, कि ज्यादा गालिब हाल के अंदर इश्तिकाक है। मैंने बताया गालिब यही है, हाल क्या आएगा, मुश्तक ही आता है, हाँ कभी कभार जामिद भी आ जाता है, तो फिर जमहूर उसकी तावील करते हैं। साहिब काफिया फरमाते हैं कोई तावील की जरूरत नहीं है। मिसलो मिसाल के तौर पर बुसरं व रुतबन फी कौलिहिम, जैसे कि बुसरन और रुतबन का लफ्ज है फी कौलिहिम अरबों के इस कौल में, हादा बुसरन व हुआ मा बकिया फीहि हुमूज़तुन, बुसर, बुसर किसे कहते हैं, वह हुआ मा बकिया फीहि हुमूज़तुन, वो खजूर के जिसके अंदर कुछ खटास बाकी हो, हुमूज़त कहते हैं तुरशी, खट्टा होना, तो कुछ खटास और तुरशी उसमें बाकी हो। तो याद रखो ये जो जर्द रंग या पीले रंग की खजूर हो जाए तो इसमें खटास कोई ऐसी नहीं होती कि पता चले, लेकिन वो एक बिल्कुल नरम होने वाली हालत है, जब बिल्कुल नरम हो गई ताजा खजूर बन गई, और एक अभी सख्त है तो बहरहाल कुछ मिठास थोड़ी सी उस जब नरम हो जाए उस वक्त मिठास ज्यादा होती है बनिस्बत उस हालत के जिसमें अभी वो नरम नहीं हुई भाई। तो उसी को हुमूज़त से ताबीर कर दिया, ये नहीं कि उसमें वाकई तुरशी खाते हुए महसूस होगी, खटास महसूस होगी, ऐसा नहीं होता भाई। हां यूं कह लो एक नौ की खटास है, बात समझ में आ गई, तो कोई ऐसी खास उसमें खटास होती नहीं है, लेकिन बहरहाल मिठास जो है वो तो रुतब में ज्यादा होती है आम तौर पर। तो कहते हैं बुसर की तफसीर कर रहे हैं, वह हुआ मा बकिया फीहि हुमूज़तुन, बुसर वो खजूर है कि जिसके अंदर कुछ खटास बाकी हो, अतयबु मिन्हु,
तो ये जो खजूर है बुसर होने की हालत में ये ज्यादा अच्छी है मिनहू इसी खजूर से, मिनहू की हाजा मीर भी हाजा को राजे है, तो ये खजूर ज्यादा अच्छी है मिनहू इसी खजूर से रुतब अन रुतब होने की हालत में। और रुतब किसे कहते हैं, कहते हैं वह हुआ माफी ही हलावतुन सिर्फतुन, वो खजूर है कि जिसके अंदर सिर्फ मिठास हो यानी किसी किस्म की खटास न हो। फहुमा माकौनी मा जामिदैनी, बस कहते हैं ये दोनों बावजूद जामिद होने के, ये बुसर और रुतब ये दोनों बावजूद जामिद होने के, हालानी ये दोनों हाल हैं, लिदलालतिहिमा अला सिफतिल बुसरियति वर रुतबियति, इस वजह से कि ये दलालत कर रहे हैं बुसर होने और रुतब होने की सिफत पर। मैंने बताया था किसी लफ्ज से मस्दर बनाते हैं उसके आखिर में या मुशद्दद और गोलता जोड़कर, तो बुसरियत का क्या माना बुसर होना, रुतबियत का क्या माना रुतब होना। कहते हैं लिदलालतिहिमा अला सिफतिल बुसरियति वर रुतबियति, इस वजह से कि ये दोनों लफ्ज जो हैं दलालत करते हैं बुसर होने और रुतब होने की सिफत पर। वला हाजत इला अन युअव्वल अल-बुसर बिल मुबसिरी वर रुतब बिल मुर्तिबी, और कोई हाजत नहीं है कि तावील की जाए बुसर की मुबसिर के साथ वर रुतब बिल मुर्तिबी और रुतब की मुर्तिब के साथ, कोई हाजत नहीं इस तावील की। मिन अबसरा नखलू, ये किससे अखज करते हुए मुबसिर और मुर्तिब, मिन अबसरा नखलू अबसरा नखल से अखज करते हुए, मिन अबसरा नखल इजा सारा मा अलैहि बुसरन, ये अबसरा नखल से अखज करते हुए, अबसरा नखल कहते हैं इजा सारा जब हो जाए मा अलैहि वो फल जो खजूर के दरख्त पर है बुसरन बुसर। भाई अबसरा नखल तवज्जो से सुनो, अरबी में कहते हैं अबसरा नखल, जब खजूर के दरख्त पर जो फल लगा हुआ है जब वो बुसर बन जाए तो कहते हैं अब सारा नखलू, ये खजूर क्या है मुबसिर है, ये खजूर क्या है मुबसिर है, तो मुबसिर हकीकत में उस खजूर के दरख्त की सिफत है। मुबसिर का क्या माना बुसर वाली, बुसर वाली। इसी तरह जब खजूर के दरख्त पर जो फल है वो रुतब बन जाए तो फिर कहते हैं अरतबन नखलू, वो खजूर रुतब वाली हो गई यानी मुर्तिब हो गई। तो मुबसिर का क्या माना बुसर वाली और मुर्तिब का क्या माना रुतब वाली। तो ये दरअसल दोनों सिफात हैं खजूर के दरख्त की, तवज्जो है। लेकिन यहां क्या कहा, ये बुसर बमाने मुबसिर के है और ये रुतब बमाने मुर्तिब के है, और ये बुसर और रुतब ये यहां किसका हाल बयान कर रहे हैं, ये तो खजूर का हाल बयान कर रहे हैं। इन्होंने कहा ना हाजा बुसरन किस माना में है, ये मुबसिर के माना में है, तो मुबसिर का तो माना क्या था बुसर वाली, तो ये खजूर बुसर वाली है या खुद बुसर है, ये तो खुद बुसर है, तवज्जो है। तो मुबसिर और मुर्तिब असल में खजूर के दरख्त की सिफत है, लेकिन यहां मजाजन किसके लिए इस्तेमाल कर लिया गया, खजूर के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। तो मुर्तिब रुतब वाली अब तर्जमा न करें बल्कि इसका माना रुतब ही है, मुबसिर का माना बुसर वाली न करें बल्कि क्या माना कर लें बुसर ही कर लें, क्योंकि खजूर के लिए यह लफ्ज बोला जा रहा है मिसाल के अंदर न के खजूर के दरख्त के लिए। तो कहते हैं मीन अब सरन नखलो, अब सरन नखल से लेते हुए इदा सारा जब हो जाए मा अलैही बुसरन, वो जो फल उस दरख्त पर है वो बुसर, जब वो फल बुसर हो जाए तो उस वक्त कहते हैं अब सरन नखलो। वह अरतबा, और इसी तरह अरतबा नखल कहते हैं इदा सारा मा अलैही रुतबन, जब वो फल जो उस दरख्त पर है वो रुतब हो जाए। माना समझ में आ गया, अब आगे आमिल बतलाएंगे कि इसके अंदर आमिल क्या है। भाई पहले जरा ये मिसाल पे फिर आइए, हाजा बुसरन अतयबु मिनहु रुतबन, ये बुसरन भी हाल है और रुतबन भी हाल है और दोनों मंसूब हैं, तो हाल के लिए आमिल चाहिए, तो इसमें आमिल क्या है, किसने इसको नसब दिया है। तो फिर याद रखो आपको बतलाएंगे कि ये जो रुतबन है इसमें तो बिल इत्तेफाक ये अतयबु इसमें तफजील जो है ये है आमिल, ये इसमें तफजील आमिल है, क्योंकि रुतबन किससे हाल है मिनहू की हाज अमीर से, मिनहू की, और मिनहू जार मजरूर मुतालिक है इसमें तफसील से, आपने पढ़ा है इसमें तफसील के इस्तेमाल के कितने तरीके हैं,
तीन तरीके, अलिफ लाम के साथ या इजाफत के साथ या मीन के साथ। तो ये मीन आ रहा है अतयबू के साथ, तो ये मीन इसी से मुताल्लिक है। और आपने पढ़ा है हरफे जर किस लिए लाया जाता है कि एक फेल या शिबे फेल बराह रास्त एक चीज में अमल नहीं कर सकता, तो किसका सहारा लेते हैं? हुरूफ जार्रा का। तो गोया यही अतयबू आमिल है मिनहू की हाज अमीर में भी, यानी वो इसके लिए मफूल बिही गैर सरीह है। क्या है? मफूल बिही गैर सरीह। तो ये है जुलहाल, और मैंने आपको बताया था कि हाल और जुलहाल दोनों का आमिल मुत्तहिद होना चाहिए, ये वाजिब है इंदल जमहूर। तो मिनहू की हाज अमीर में कौन आमिल? अतयब। तो वही अतयब आमिल है रुतब में भी। और याद रखो ये अतयब इसमें तफजील है, मैंने आपको बताया था ये बड़ा ही ज़ाइफ आमिल है, हत्ता कि ये इसमें जाहिर में अमल करता ही नहीं, इल्ला कुछ खास शराइत जब पूरी हो जाए, जिसको मसला कुहल कहते हैं। आगे साहिब काफिया भी जिक्र करेंगे मसला कुहल, कुहल सुरमे को कहते हैं, चूंकि उस वहां पर सुरमे की मिसाल जिक्र की जाती है उस मसले में, तो उसको क्या कहा जाता है? मसला कुहल कहा जाता है। उसमें कुछ खास शराइत हैं, वो शर्तें पूरी होती हैं तो फिर ये इसमें तफजील, आगे इसमें जाहिर में अमल करता है। वरना यह है तो शिबे फेल, इसमें तफजील है ना, ये शिबे फेल है। और जैसे सिफत के सिगों के लिए हमेशा फाइल चाहिए होता है, और वो उन्हीं के अंदर जमीर भी हो सकती है और आगे इसमें जाहिर भी, तो इसमें तफजील के अंदर भी हमेशा जमीर होती है, ये उसी को रफा देता है, तो उसमें ये अमल करता है। लेकिन वो अमल भी ला अमल जैसा ही समझें, क्योंकि वो जमीर इसके अंदर छुपी हुई है, उस अमल का कोई असर जाहिर ही नहीं होता। तो ये निहायत कमजोर आमिल है। तो मिनहू की हा जमीर में कौन आमिल? अतयब, यानी जुलहाल में अतयब आमिल है, तो रुतबन में भी यही अतयब आमिल है। और रुतबन के अंदर अमल में कोई इश्काल भी नहीं, क्योंकि अतयबू अपने मा बाद में अमल कर रहा है, आमिल कमजोर है लेकिन अपने मा बाद में अमल कर रहा है, और कमजोर आमिल अपने मा बाद में ही अमल करता है। लेकिन इश्काल यह होता है, सवाल पैदा होता है कि यह बुसरन के अंदर आमिल कौन है? यह तो मुकद्दम है इस पर, और अतयब तो कमजोर आमिल है, यह तो अपने मा बाद में अमल कर सकता है, माकबल में अमल नहीं कर सकता। तो कि आपको बतलाएंगे कि उलमाए मुहक्किकीन के नजदीक इस बुसरन के अंदर भी अतयब आमिल है। आगे बतलाएंगे, बाज के नजदीक इस बुसरन में हाजा आमिल है, हाजा से उशीरू का फेल समझ में आया, इसमें इशारा है ना, तो उशीरू का माना समझ में आया, और वो आमिल है इस बुसरन को नसब दे रहा है। लेकिन साहिब जामी बतलाएंगे कि उलमाए नह में से जो मुहक्किकीन हैं उनके नजदीक इस बुसरन में भी अतयब ही आमिल है। तो फिर इस पर इश्काल होता है, अतयब तो बड़ा ज़ाइफ आमिल है, वो तो अपने मा बाद में अमल करता है, माकबल में अमल नहीं कर सकता, तो फिर ये कैसे इसके अंदर अमल कर रहा है? तो आपको वो बतलाएंगे कि भाई देखिए कि देखिए यहां पर एक ही चीज से दो मुख्तलिफ हाल आ रहे हैं, दो मुख्तलिफ एतबार से, एक ही चीज से, एक ही खजूर के दो हाल बयान हो रहे हैं ना, बुसर भी उसी खजूर की हालत है और रुतब भी उसी खजूर की हालत है, तो एक ही चीज से दो मुख्तलिफ हाल आ रहे हैं और दो मुख्तलिफ एतबार से हैं, यानी इसी खजूर से बुसर का हाल आया इसके मुफज्जल होने के एतबार से, और इसी खजूर से रुतब का हाल आया मुफज्जल अलह होने के एतबार से। तो एक ही चीज से दो मुख्तलिफ हाल आए, और एक ही एतबार से या दो मुख्तलिफ एतबार से? दो मुख्तलिफ एतबार से। तो कहते हैं इस किस्म का जब मकाम आ जाए तो फिर हर हाल को उसके मुतअल्लक के साथ जिक्र करते हैं, हर हाल को उसके मुतअल्लक के साथ जिक्र करते हैं, यानी जुलहाल के साथ जिक्र करते हैं, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा हाल किससे है। भाई अगर आप इस बुसरन को आखिर में ले जाएं, हाजा अतयबु मिनहु रुतबन बुसरन, कुछ पता चलेगा? क्योंकि दोनों ही मिनहू के बाद आ रहे हैं, कौन मुफजल है कौन मुफजल अलह, हालांकि मुफजल मिन से पहले होता है और मुफजल अलह मिन के बाद होता है। तो जाब्ता क्या हुआ कि जब एक ही चीज से दो मुख्तलिफ हाल आए दो मुख्तलिफ एतबार से, तो हर हाल को उसके मुतअल्लक के पास जिक्र करते हैं, यानी उसके जुलहाल के पास जिक्र करते हैं। जवाब समझ में आ गया, इसलिए मजबूरन बुसर को मुकद्दम करना पड़ा ताकि ये अपने जुलहाल
हाजा के साथ हो जाए। इस पर फिर इश्काल होता है कि भाई इस बुसरन के अंदर अगर आमिल कौन है, अकयब कौन आमिल है, और जाब्ता क्या है, जुल्हार और हाल दोनों में आमिल एक ही होना चाहिए, तो हाजा के अंदर तो अतियब आमिल नहीं है, हाजा तो मुब्तदा है, उसमें तो इब्तिदा आमिल है, तो जुल्हाल का आमिल हुआ इब्तिदा और बुसरन का आमिल कौन हुआ, अतियब। ये तो दोनों के आमिल मुख्तलिफ हो गए, हालांकि जमहूर के नजदीक ये जायज नहीं, बास कहते हैं जायज है लेकिन जमहूर के नजदीक ये जायज नहीं। तो फिर उसका भी जवाब देंगे कि भाई असल में तो जुल्हाल अतियब के अंदर हुआ जमीर है, इसमें तफजील के लिए क्या चाहिए, फाइल चाहिए, इसके अंदर हुआ जमीर है और वो हुआ जमीर इस हाजा को राजे है, तो अतियब के अंदर हुआ जमीर जो हकीकत में जुल्हाल है वो किसको राजे है, हाजा को, और हाजा है इसमें जाहिर, और मालूम हुआ अतियब के अंदर इसी की जमीर है जो इसी को लौट रही है, एक इसमें जाहिर और एक है उसकी जमीर, एक इसकी जमीर, तो गोया हकीकत में जुल्हाल हुआ नहीं है बल्कि हाजा है, क्योंकि जमीर तो इसकी नाइब थी भाई, जमीर तो बात समझ में आ गई, हुआ जमीर है जुल्हाल और वो जमीर किसको राजे, हाजा को, तो गोया हाजा ही जुल्हाल हुआ क्योंकि जमीर इसी को तो राजे है, तो किसी चीज की जमीर पर हुक्म लगाना हकीकत में उसी चीज पर हुक्म लगाना है, उसी चीज पर हुक्म लगाना है, तो लिहाजा ये गोया हाजा से ही हाल आ रहा है। यूं कहो जब इसमें जाहिर मौजूद हो तो जमीर को कल आदम शुमार करते हैं, क्या शुमार करते हैं, बात समझ में आ गई, हाल किससे आ रहा है, अतियबू के अंदर हुआ जमीर से, और वो हुआ जमीर किसको राजे, हाजा को, तो हाजा इसमें जाहिर जब मौजूद है तो जमीर को एतबार ही ना करो, यूं समझो कि हाजा ही जुल्हाल है, तो इसी के साथ हाल को जिक्र कर दिया। जी देखिए भाई कहते हैं वल आमिलु फी रुतबन अतियबु बित्तिफाकिन नुहाती, कहते हैं रुतबन के अंदर जो आमिल है वो तो अतियबु है नहवियों के इतफाक से, रुतब तो मुअख्खर है ना, उसमें तो कोई इश्काल ही नहीं अतियबु के आमिल बनने में, तो रुतबन के अंदर तो बिल इतफाक अतियबु आमिल है, तो कहते हैं वल आमिलु फी रुतबन अतियबु बित्तिफाकिन नुहाती, तो रुतबन के अंदर जो आमिल है वो तो अतियबु है नफियों के इतफाक से, वफी बुसरन अयजन, और बुसरन में भी अतियबु आमिल है, इंद मुहक्किकीहिम नहवियों के जो मुहक्किकीन हैं उनके नजदीक, उलमाए नहव में से जो मुहक्किकीन हैं उनके नजदीक बुसरन के अंदर भी अतियबु आमिल है। कहते हैं वतकद्दुमु बुसरन अला इस्मि तफजीली, और बुसरन का मुकद्दम होना इसमें तफजील पर, वतकद्दुमु बुसरन और बुसरन का मुकद्दम होना अला इस्मि तफजीली किस पर, इसमें तफजील पर, मा ज़ौफिही फिल अमली, बावजूद इसके कि इसमें तफजील अमल के अंदर ज़ईफ है, लि अन्नहु, अब ज़ाता जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं लि अन्नहु, ये इस वजह से है कि इदा तअल्लक बिशैइन वाहिदिन हालानी, कि जब मुतअल्लिक हो जाए एक ही चीज से दो हाल, बिअतिबारैन मुख्तलिफैन, दो मुख्तलिफ एतबार से, तो यलज़म, तो लाजिम होता है, अन यलिया कुल्लु मिन्हुमा, कि मिला हुआ हो उन हालों में से हर एक, जुड़ा हुआ हो उन दो हालों में से हर एक, वलिया यली का माना साथ होना, मिला हुआ होना, यलजमु, तो लाजिम होता है, अन यलिया कुल्लु मिन्हुमा, कि मिला हुआ हो उन दो हालों में से हर एक, भाई किस चीज के साथ मिला हुआ हो, मुतअल्लकहु, अपने मुतअल्लक के साथ वो मिला हुआ हो, यानी उसके साथ होना चाहिए, माना समझ में आ गया भाई। यहां इबारत मैंने पढ़ी वतकद्दुमु बुसरन, बुसरन का मुकद्दम होना, तकद्दुम है मुजाफ और बुसरन है मुजाफुन इलैह, और मुजाफ इलैह तो मजरूर होता है, फिर मैंने ये बुसरन मंसूब क्यों पढ़ा, हाँ शाबाश, ये क्या है, एराबे हिकाई है, चूंकि वहां इबारत में बुसरन मंसूब आया था उसी तरह यहां पर भी नकल कर दिया गया, तो ये मंसूब है एराबे हिकाई, और बाकी ये महलन मजरूर है क्योंकि मुजाफिले बन रहा है और मुजाफिले मजरूर होता है। आगे देखिए कहते हैं वल बुसरी ये तू तअल्लकत बिल मुशारी इलैहि बिहादा मिन हैसु इन्नहु मुफज्जलुन, और बुसर होना, बुसरियत क्या तर्जमा करेंगे, बुसर होना, और बुसर होना जो है तअल्लकत, वो मुतअल्लिक हो गई, बिल मुशारी इलैही, वो जिसकी तरफ इशारा किया गया है, बिहाजा, हाजा के जरिए, हाजा के जरिए किसी खजूर की तरफ इशारा करके ये बात की जा रही है ना, तो
तो बुसरियत का ताल्लुक आ गया उस खजूर के साथ जिसकी तरफ हाजा के जरिए इशारा किया जा रहा है, इस हैसियत से कि यह मुफजल है। यह बुसरियत का ताल्लुक उस खजूर से आया किस हैसियत से, वैसे उसकी हालत बयान कर रहे हैं या मुफजल होने की हैसियत से? मुफजल होने की हैसियत से बुसरियत का उसके साथ ताल्लुक आया है। तो कहते हैं वल बुसरियत तअल्लकत बिल मुशारी इलैही बिहाजा, और बुसर होने का ताल्लुक आ गया वो जिसकी तरफ इशारा किया गया है हाजा के जरिए मिन हैसु इन्नहु मुफज्जलुन, इस हैसियत से कि ये जो मुशारी ले है ये मुफज्जल है। वहादिहिल हैसियत व इल्लम तकुन, जी वही बात बयान कर रहे हैं जो मैंने पहले बयान की थी लेकिन दूसरे जरा अंदाज में साहिब जामी जिक्र करेंगे। कहते हैं देखो सवाल यह कि यह बुसरन, बुसरन कौन सी हालत बयान कर रही है? मुफज्जल होने के एतबार से, किस एतबार से? और यह हाजा, ये जो खजूर है, हाजा से तो मुफज्जल होना समझ में नहीं आता। मैंने कहा हाजा किताबुन, यह किताब है, हाजा से कोई मुफज्जल होना समझ में आया? मुफज्जल होने का पता किससे चला? वो जो अतयबू के अंदर हुआ जमीर थी वो इस हाजा को लौट रही थी, अतयबु मिनहु, तवज्जो है, फिर सुनो, ज़ैदुन अज़रबु मिन अमरिन, ज़ैद ज्यादा पिटाई करने वाला है, किसके मुकाबले में? अमर के मुकाबले में ज़ैद हुआ मुफज्जल, लेकिन किससे पता चला? अज़रबु के अंदर हुआ जमीर वो है मुफज्जल और वो लौट रही है किसको? ज़ैद, और मिन के बाद अमर आ रहा है वो है मुफज्जल अलैह, तवज्जो है। तो मुफज्जल कौन होता है? वो जो इसमें तफजील के अंदर जमीर होती है। सिर्फ हाजा, हाजा से तो किसी के मुफज्जल होने का पता नहीं चलता। तो ये जो हाजा है इसको आपने मुफज्जल करार दिया और बुसरन को इसका हाल बनाया कि बुसरन हाजा से हाल है, किस एतबार से? मुफज्जल होने के एतबार से ये उससे हाल है। भाई हाजा का तो मुफज्जल होना हमें समझ में नहीं आ रहा। हां कब समझ में आएगा? जब वो अतयबू की जमीर इसकी तरफ लौटाएंगे। तो जब जमीर के एतबार से मुफज्जल होने का पता चल रहा है तो बुसरन को उस जमीर के पास लेकर जाओ, यहां क्यों लेकर आए हो? यूं कहो, तवज्जो से सुनो, हाजा अतयबु बुसरन मिनहु रुतबन, ये बुसरन को अतयबु के बाद ले जाओ मिनहु से पहले। इबारत समझ में आ रही है? हाजा अतयबु बुसरन मिनहु रुतबन, अब बुसर अपने जुलहाल के करीब आ गया। आपने भी हमें क्या कहा था कि दो हाल जब दो मुख्तलिफ चीजों से मुख्तलिफ एतबार से आए तो हर हाल को अपने जुलहाल के पास जिक्र करेंगे। तो जुलहाल तो अतयबू के अंदर हुआ जमीर है, उसके साथ अतयबू के फौरन बाद बुसरन को लेकर जाओ, आप ये हाजा के पास क्यों लेकर आ गए? तवज्जो है। तो जवाब देंगे कि भाई हाजा चूंकि इसमें जाहिर है और वह हुआ जमीर किसकी तरफ लौट रही है? इसी हाजा की तरफ लौट रही है। तो जब इसमें जाहिर खुद मौजूद है तो हकीकतन यही मुफज्जल है, वो हुआ जमीर तो इसका नाइब है भाई। तो जब इसमें जाहिर खुद मौजूद हो तो वो जो जमीर है उसको कल आदम शुमार करेंगे, क्योंकि वो तो छुपी हुई है, नजर ही नहीं आ रही। तो जब इसमें जाहिर खुद मौजूद है तो इसी को मुफज्जल शुमार कर लिया जाएगा और वह हाल को इसके साथ जिक्र करना वाजिब है। वहां आगे आप अतयब के बाद जिक्र नहीं कर सकते। वजह समझ में आ गई? फिर देखिए, कहते हैं वल बुसरियतु ताल्लकत बिल मुशारी इलैही बिहाजा, और बुसर होने का ताल्लुक वो जिसकी तरफ इशारा किया गया हाजा के साथ, उसके साथ ताल्लुक है मिन हैसु इन्नहु मुफज्जलुन, इस हैसियत से कि वो मुशारुन इलै जो है वो मुफज्जल है। वहादिहिल हैसियतु, और ये जो हैसियत है यानी मुफज्जल होने वाली, वह इल्लम तकुन मुअतबरतन फीही, अगरचे वो उस मुशारुन इलै में मुअतबर नहीं, इल्ला बाद इजमारी ही फी अतयबा, मगर बाद इसके कि उसकी जमीर लाई गई अतयबा के अंदर। अतयबा में जमीर लाएंगे तो फिर पता चलेगा यह हाजा मुफज्जल है, वैसे तो पता नहीं चलेगा। तो कहते हैं अगरचे यह हैसियत मुअतबर नहीं है उस मुशारुन इलै में, इल्ला बाद इजमारी ही फी अतयबा, मगर बाद इसके कि उसकी जमीर लाई जाए अतयबा में, लाकिन नहु लम्मा काना जमीर बिन निस्बती इलल मुजहरी कल आदमी, लेकिन जब जमीर जो है वो इसमें मुजहर यानी इसमें जाहिर,
लेकिन जो जमीर है वो इसमें जाहिर की तरफ निस्बत करते हुए कल आदमी, वो कल आदम होती है, गोया है ही नहीं, तो उकीम अल मुजहर मकामहू, तो इसमें जाहिर को जमीर के कायम मकाम कर दिया गया, व औजबू अय लियहू, और वाजिब करार दिया गया कि वो हाल इसके साथ मिला हुआ हो, इसलिए हाजा के साथ बुसरन को जिक्र किया गया। व रुतबियतु ताल्लकत बिही मिन हैसु इन्नहु मुफज्जलुन अलैही, और रुतब होने का ताल्लुक भी उसी मुशारुन इलै के साथ है, लेकिन मिन हैसु इन्नहु मुफज्जलुन अलैही, इस हैसियत से कि वो मुफज्जल अलै है। तवज्जो है, एक ही चीज के दो हाल जिक्र हो रहे हैं ना, हाजा के जरिए इशारा हुआ और वह मुशारुन इलै है, वही मुशारुन इलै मुफज्जल है, वही मुशारुन इलै है और वह मुफज्जल है, लेकिन इस हैसियत से कि अतियबू के अंदर हुआ जमीर इसकी तरफ लौटेगी, उस हैसियत से मुफज्जल बनेगा, और यही मुशारुन इलै मुफज्जल अलै भी बनेगा, मुफज्जल अलै भी बनेगा इस हैसियत से कि मिनहू की जमीर भी इसी को लौट रही है। मीन के बाद जिक्र करते हैं ना मुफज्जल अलै को, तो मिनहू की जमीर इसी मुशारुन इलै को लौट रही है, और मीन के बाद किसको जिक्र करते हैं, मुफज्जल अलै को। तवज्जो है, तो यही मुशारुन इलै मुफज्जल भी है, लेकिन मुफज्जल होने का पता तब चलेगा जब अतयबू की हुआ जमीर इसकी तरफ लौटाएंगे, और यही मुशारुन इलै मुफज्जल अलै भी है, लेकिन इस एतबार से कि मिनहू की हा जमीर भी इसी को लौट रही है, तो इसके मुफज्जल होने का पता किससे चला, हुआ जमीर से, यही मुशारुन इलै, और इसके मुफज्जल अलै होने का पता किससे चला, मिनहू की हा जमीर से। फिर दोहराओ, इसमें इशारा के लिए खजूर की तरफ इशारा किया गया और उसी के दो हाल बयान हुए, बुसर और रुतब, लेकिन एक हाल किस एतबार से है, मुफज्जल होने के एतबार से, दूसरा हाल किस एतबार से है, मुफज्जल अलै होने के एतबार से, एक ही चीज है, तो इसके मुफज्जल होने का पता कब चलेगा, जब अतयबू की हुआ जमीर इसको लौटेगी, और इसके मुफज्जल अलै होने का पता कब चलेगा, जब मिनहू की हा जमीर इसकी तरफ लौटेगी, तो मालूम हुआ अतयबू के अंदर हुआ जमीर भी जुलहाल और मिनहू के साथ हा जमीर भी जुलहाल, लेकिन जो अतयबू के अंदर हुआ जमीर थी उसके मुकाबले में यहां हाजा इसमें जाहिर मौजूद था, तो फिर लिहाजा क्या कर दिया गया, जमीर को कल आदम शुमार करते हुए जो इसमें जाहिर था उसी के साथ बुसरान हाल को जिक्र कर दिया गया, और मिनहू, मिनहू की हा जमीर से किसका पता चला था, मुफज्जल अलै का, तो वो चूंकि जुलहाल थी तो वहां पर उसके साथ ही दूसरे हाल को जिक्र कर दिया गया। बात समझ में आ गई ना, तो दोनों हालों को मुकद्दम किया गया ना दोनों को मुअख्खर किया गया। तो कहते हैं वह रुतबियतु ताल्लकत बिही, और वो जो रुतब होना है उसका ताल्लुक भी उसी मुशारुन इलैह से है, मिन हैसु इन्नहु मुफज्जलुन अलैही, इस हैसियत से कि यही मुशारुन इलैह मुफज्जल अलैह भी है, वह हुआ जमीर मिनहू, और वो क्या है, वो मिनहू की जमीर है, यानी इसके जरिए ताल्लुक आया रुतबियत का किसके साथ, उस मुशारुन इलैह के साथ मुफज्जल अलैह होने के एतबार से। तो कहते हैं वह हुआ जमीर मिनहू, और वो मिनहू की जमीर है, फयजिबु अन यलियहू, तो वाजिब हुआ कि ये हाल इस जमीर के साथ मिला हुआ हो। बात समझ में आ गई, हल हो गया, मुफज्जल का पता किससे चला, एक ही चीज मुशारुन इलैह है, वो मुफज्जल भी है और मुफज्जल अलैह भी, मुफज्जल होने का पता किससे चला, अतयबू के अंदर हुआ जमीर से, और मुफज्जल अलैह होने का पता किससे चला, मिनहू की हा जमीर से, ये दोनों इसी को राजे हैं, और जब हाजा इसमें जाहिर मौजूद है तो अतयबू के अंदर हुआ जमीर को कल आदम करार देते हुए इसी अतयबू के साथ, इसी हाजा के साथ हाल को जिक्र किया गया, और दूसरी में मिनहू के मेजुल हाल था तो उसके साथ ही जिक्र कर दिया। बात समझ भाई, इश्काल ये होता है ना, अतयबू के अंदर हुआ जमीर जुलहाल है तो इसके साथ हाल को जिक्र करो, जैसे मिनहू के अंदर हा जमीर है तो उसके साथ आपने हाल को जिक्र किया, तो जवाब दे दिया कि इसमें जाहिर जब मौजूद है तो जमीर को कल आदम समझते हुए उसके साथ यानी हाजा के साथ एक हाल को जिक्र कर दिया गया, और दूसरे को मिन के बाद ही जिक्र करना था वो जुलहाल के साथ ही जिक्र कर दिया। तो यहां इश्काल होता है कि अजीब बात है, यहां पर दो जमीरें हैं, एक अतयबू के अंदर हुआ जमीर है वो है मुफज्जल, और दूसरी मिनहू के अंदर हा जमीर है और वो है मुफज्जल अलै, तो आपने मुफज्जल जमीर को तो कल आदम करार दे दिया, आपने मुफज्जल अलै को क्यों नहीं कल आदम करार दिया,
बात समझ में आ रही है? तो आप दो जमीनों में से एक को आप जो है कल अदम करार दे रहे हैं, दूसरे को कल अदम करार नहीं दे रहे, तो जवाब उसका याद रखना भाई, वजह यह है कि जो अतयबू के अंदर जमीर है वो मुस्ततिर है, छुपी हुई है, जाहिर ही नहीं है। जब जाहिर ही नहीं है तो उसको कल आदम करार दिया जा सकता है, क्योंकि लफ्जों में उसका कोई असर जाहिर नहीं। जबकि मिनहू की हा जमीर वो तो लफ्जों में जाहिर है, हम तो उस पर बाकायदा तलफ्फुज कर रहे हैं। तो लिहाजा जो जमीर छुपी हुई है, जिसका बिल्कुल जहूर ही नहीं हो रहा, तो उसको तो कल आदम हम करार दे सकते हैं, और जो जमीर लफ्जों में मौजूद है और जिस पर बाकायदा आप तलफ्फुज भी कर रहे हैं, उसको कल आदम करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो मुफज्जल जमीर थी उसको कल आदम करार दिया, और हाजा ही गोया क्या हुआ, मुफज्जल हुआ, तो उसके साथ बुसरन को जिक्र कर दिया गया। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, काल रजी, मैंने बताया भाई कि काफिया की दो शुरूहात सबसे ज्यादा मशहूर हैं, एक तो ये शरह जामी है और एक अल्लामा रजी की शरह है, रजी अलल काफिया, रजी अलल काफिया बड़ी मुफस्सल शरह है, आजकल अमूमन चार जिल्दों में छपी हुई मिल जाती है, लेकिन बड़ी गहरी शरह है भाई। तो साहिब जामी ताईद के तौर पर उनके कौल को भी जिक्र कर रहे हैं, साहिब जामी ताईद के तौर पर, कि मैंने क्या कहा कि जब इसमें जाहिर मौजूद हो तो जमीर को कल आदम शुमार करते हुए उसमें जाहिर के साथ हाल को जिक्र कर दिया गया। यही बात अल्लामा रजी ने भी लिखी है, अब उसको जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं काल अर रजी, अल्लामा रजी फरमाते हैं, वह अम्मा जमीर उल मुस्तकिन नुफी अफआला, कहते हैं वो जो जमीर छुपी हुई है, मुस्तकिन नून मुशद्दद है, छुपी हुई, तो वो जमीर जो छुपी हुई है, फी अफआला यानी इसमें तफजील के अंदर, फ इन नहू व इन कान मुफजलन, अगरचे वो जमीर जो है वो मुफजल है, लाकिन नहू लम्मा लम यजहर, लेकिन वो जमीर जब जाहिर ना हुई यानी उसके अंदर छुपी हुई है, तो लाकिन नहू लम्मा लम यजहर, लेकिन जब वो जमीर जाहिर ना हुई, छुपी हुई है, तो कान कल आदम, तो वो कल आदम हुई, यानी उसको गोया शुमार ही ना करो। वह माहाजा, और इसके बावजूद, फला अरा बासन, यह अल्लामा रजी की इबारत चल रही है, और इसके बावजूद कि वो जमीर क्या है उसको कल आदम शुमार करो। सुने इधर देखिए, अल्लामा रजी फरमाते हैं, लेकिन मैं इसमें भी कोई हरज नहीं देखता कि आप बुसरन को हाजा के साथ जिक्र करने के बजाय अतयबू के फौरन बाद जिक्र कर दें, अतयबू बुसरन मिन हो रुतबन, कहते इसमें भी मैं कोई हरज नहीं देखता। अगरचे अरबों से हमने ऐसा सुना नहीं, अरब हमेशा एक हाल को उस इसमें तफजील पर मुकदम लाते हैं, लेकिन कहते हैं मेरी राय यह है, पहला हाल जो मुफज्जल है वो अतयबू के साथ भी जिक्र कर दिया जाए, और यूं कहा जाए हाजा अतयबू बुसरन मिनहो रुतबन, इसमें भी मैं कोई हरज नहीं देखता, अगरचे कहते हैं अरबों से यह सुना नहीं गया भाई। लेकिन बहरहाल ये तो अरबी जुबान है भाई, अरबों से हमने कभी नहीं सुना इस तरह, और ये जुबान है, इसके अंदर कियास जारी नहीं हो सकता। अरब हमेशा एक हाल को इसमें तफजील पर मुकदम रखते हैं, मालूम हुआ बाद में जिक्र करना सही नहीं है। तो कहते हैं वह मा हाजा, और बावजूद इसके, फला अरा बासन, मैं कोई हरज नहीं देखता, भी अयु काला कि यूं कहा जाए, वह इल्लम युस्मा, अगरचे ऐसा सुना नहीं गया अरबों से, तो मैं कोई हरज नहीं देखता यूं कहने में कि जैदुन अहसनु काइमम मिनहु काइदन, जैदुन अहसनु काइमम मिनहु कायदन, देखो अहसनु के बाद काइमन को ले गए, हालांकि अरब किस तरह बोलते हैं, वो कहते हैं जैदुन काइमन अहसनु मिनहु कायदन, जैद कियाम की हालत में ज्यादा हसीन है उसके बैठने की हालत के मुकाबले में। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वज़ाहबा बाज़ुहुम, जी अब दूसरा कौल जिक्र करेंगे, बाज कहते हैं उलमा फरमाते हैं कि ये बुसरन के अंदर अतयबू को आमिल ना बनाओ, क्योंकि वो आमिल ज़ईफ है, वो अपने माबाद में तो अमल कर सकता है, अपने से माकबल में अमल नहीं कर सकता, चुनाचे वो फरमाते हैं कि बुसरन के अंदर हाजा को आमिल बना दो। किसको? बुसरन, हाजा से उशीरु का फेल समझ में आ रहा है, और उस उशीरु फेल को आमिल बना दो बुसरन के अंदर, वो नसब दे रहा है भाई।
कहते हैं वज़हबा बाज़ुहुम इला अन्नल आमिला फी बुसरान इस्मुल इशारा, और बाज नहवी उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि बुसरान के अंदर जो आमिल है वो इसमें इशारा है। ऐ उशीरु इलैही हाल कौनिही बुसरान, यानी मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं इस हाल में कि ये बुसर है, यानी उशीरु को आमिल बनाया। वहादा लैस बिसहीहिन, साहिब जामी इसको रद्द फरमाते हुए कहते हैं वहादा लैस बिसहीहिन, और ये सही नहीं, यानी हाजा को आमिल बनाना सही नहीं। लिअन्नहु युम्किनु अन यकूनल मुशारु इलैहि तमरल याबिसा, क्योंकि हो सकता है वो जो मुशारुन इलैह है वो तमर याबिस हो। फला ततकय्यदुल इशारा तो बिहालतिल बुसरियति, लिहाजा ये इशारा मुकय्यद नहीं हो सकता बुसर होने की हालत के साथ। भाई इधर देखिए, बड़ी गहरी बातें चल रही हैं नहू की। भाई मैंने आपको बतलाया था कि जो हाल होता है ये कैद होता है आमिले जुलहाल के लिए। जानी जैदुन राकिबन, तवज्जो से सुनो, जाब्ता जिक्र हुआ था कि हाल और जुलहाल में आमिल एक ही चीज होगी हमेशा। जा अनी जैदुन राकिबन, जैदुन है जुलहाल और राकिबन है हाल। ये जैदुन, इसके अंदर आमिल कौन, किसने इसको रफा दिया, जा अनी ने, तो मालूम हुआ वही जा अनी आमिल है राकिबन के अंदर भी। और ये जो हाल होता है ये कैद होता है आमिले जुलहाल के लिए। आमिले जुलहाल कौन है, जा जा, तो ये हाल उसके लिए कैद है। मालूम हुआ जैद का जो आना था, जैद की जो मजीअत थी, वो मुकय्यद है रुकूब की हालत के साथ। वो रुकूब की हालत में आया है, रुकूब के अलावा नहीं। तो ये हाल कैद होता है किसके लिए, आमिले जुलहाल के लिए, या यूं कहो अपने आमिल के लिए। हाल अपने आमिल के लिए कैद होता है। बात समझ में आ गई। तो बाज नहवियों ने क्या कहा कि बुसरान में इस हाजा को आमिल बनाओ, बुसरान में, साहिब जामी उसको रद्द करेंगे। भाई किस तरह, देखो पहले समझ लो, मेरे बाग में खजूर का एक खास दरख्त है, उसकी खजूरों की जो बुसर होने की हालत है वो ज्यादा अच्छी है किसके मुकाबले में, रुतब के मुकाबले में। तवज्जो है, अब मेरे पास एक खजूर पड़ी है खुश्क, वही वाली एक खुश्क खजूर पड़ी है, यूं समझो खुश्क हो चुकी है बिल्कुल। अब ना वो बुसर है ना रुतब है, ये तो खुश्क खजूर है, या यूं को धूप लगवा चुके हैं, अब ये तमर बन चुकी है, तो ना ये बुसर है ना रुतब है। लेकिन मैं इस खजूर की तरफ इशारा करके कहता हूं, ये वाली खजूर जो है बुसर होने की हालत में ज्यादा अच्छी होती है रुतब होने के मुकाबले में। मैं कह सकता हूं या नहीं, तवज्जो है भाई, जिस वक्त मैं इशारा कर रहा हूं उस वक्त उसका बुसर होना जरूरी नहीं है, जिस हालत में भी हो। मैं सिर्फ उसको यह बताता हूं कि ये वाली जो खजूर है ये बुसर होने की हालत में ज्यादा अच्छी होती है रुतब होने की हालत से। मैं कह सकता हूं या नहीं, अगरचे देखो इस वक्त ना बुसर है ना रुतब है, वो एक तमर है जिसको धूप में खुश्क भी कर लिया गया है, तो भी मैं कह सकता हूं कि ये वाली खजूर बुसर होने की हालत में रुतब से अच्छी होती है। लेकिन अगर आपकी बात मान ली जाए कि बुसरन के अंदर आमिल किसको बनाओ, उशीरु को, किसको आमिल बनाओ, उशीरु को आमिल बनाओ, और जाब्ता क्या है कि हाल जो है कैद होता है आमिले जुलहाल के लिए या अपने आमिल के लिए कैद होता है, तो मालूम हुआ ये बुसरन कैद बन जाएगा उशीरु के लिए। उशीरु के लिए क्या बन जाएगा, जैसे वो जा अनी जैदुन राकिबन, वो रुकूब कैद बन गया था किसके लिए, मजीअत के लिए, तो यानी वो मजीअत किस हालत में हुई थी, रुकूब की हालत में हुई है। बात समझ में आ रही है, जैद सवार होकर आया है, बगैर सवारी के नहीं, वो कैद बन गई उसके लिए। तो यहां पर भी अगर ये उशीरु को आमिल बना दिया जाए बुसरन के अंदर, तो फिर ये बुसरन कैद हो जाएगा उशीरु के लिए। मालूम हुआ जिस वक्त मैं इशारा कर रहा हूं उस वक्त इसका बुसर होना जरूरी है, मेरे इशारा करते हुए इसका किस हालत में होना जरूरी, बुसर की हालत में होना जरूरी। हालांकि जरूरी है क्या, बुसर हो तब इशारा कर सकता हूं, वैसे नहीं कर सकता, कर सकते हैं। बात समझ में आई, फिर सुनो, हाल जो होता है वो कैद होता है किसके लिए, आमिले जुलहाल के लिए। जानी जैदुन, जरा ये मिसाल समझ लो फिर आपको बात सारी समझ में आ जाएगी। जानी जैदुन राकिबन, मेरे पास जैद सवार होकर आया, मालूम हुआ ये जो मजीअत मैं जिसकी निस्बत किसकी तरफ कर रहा हूं, जैद की तरफ, यह मजीअत मुतलक नहीं है बल्कि
मुकय्यद है किसके साथ, रुकूब के साथ, ये तब ही मैं कह सकता हूं। बात समझ में आ गई? अगर जैद वो आने से पहले सवार था या बाद में सवार था फिर मैं ये नहीं कह सकता। ये जरूरी है कि जिस वक्त उस फेल की निस्बत की जा रही है या वो फेल उस पर वाके हो रहा हो उस वक्त ये हालत होगी। बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखो उशीर, मैं इशारा कर रहा हूं, मैं मालूम हुआ ये इशारा करते हुए ही किस हालत में होना चाहिए, बुसर वाली हालत में होना चाहिए। हालांकि इशारा करते हुए तो बुसर वाली हालत जरूरी नहीं। बात समझ में आ गई? तो देखिए अब तर्जमा कहते हैं वहादा लैस बिसहीहिन, और ये सही नहीं है कि इसमें इशारा को उसमें आमिल बनाया जाए। लिया नहु युमकिनु, इसलिए क्योंकि यह मुमकिन है अयकून अल मुशारु इलैहि तमरल याबिसा, कि वो जो मुशारुन इलैह है वो खुश्क खजूर हो। उस वक्त भी हम ये कह सकते हैं फला ततकय्यदुल इशारतु बिहालतिल बुसरियति, तो फिर तो इशारा मुकय्यद नहीं होगा बुसर होने की हालत के साथ। खुश्क खजूर है और मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि ये वाली खजूर बुसर होने की हालत में, तो उशीरु के लिए जरा कैद बनाओ बुसर को। ये खजूर इस हाल में कि ये बुसर है, ये मैं इस खजूर की तरफ इशारा कर रहा हूं इस हाल में कि ये बुसर है, हालांकि ये बुसर तो है ही नहीं, ये तो तमरे याबिस है। बात समझ में आ गई? तो फिर तो बुसर वाली हालत होना जरूरी है। तो हो सकता है कहते हैं वो तमरे याबिस हो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हो सकता है वो तमरे याबिस हो। जब वो तमरे याबिस है तो इशारे की हालत इधर देखो, जब वो सामने तमरे याबिस है तो ये बुसर की हालत के साथ इशारा मुकय्यद हुआ, ये इशारा करते हुए वो बुसर है नहीं, तो ये इशारा तो बुसर के साथ मुकय्यद नहीं हुआ भाई। आपने तो मुकय्यद किया लेकिन ये तो मुकय्यद ही नहीं हो रहा। तो ये माना है क्योंकि हो सकता है कि वो मुशारुन इले जो है तमरे याबिस खुश खजूर हो, फला ततकय्यदुल इशारतु बिहालतिल बुसरियति, तो वो इशारा तो मुकय्यद नहीं होगा बुसर होने की हालत के साथ। जी एक वजह ये जिक्र कर दी कि हाजा को बुसरन में आमिल नहीं बना सकते। वली अन्नहु यसिह हो, याद रखो यहां बाज नुस्खों में है ला यसिह हो, ले अन्नहु ला यसिह हो, और बाद नुस्खों में है लिअन्नहु यसिहु, ला यसिहु हो तो इबारत जरा बेहतरीन बन जाती है। लेकिन चलो हम पहले यसिहु के साथ तर्जमा कर लेते हैं। वली अन्नहु यसिहु, और इसलिए क्योंकि सही है। क्या सही है? अतयबू को आमिल बनाना। मुहक्किकीन क्या फरमाते हैं? अतयबू आमिल है, और ये बास क्या फरमाते हैं? हाजा आमिल है। तवज्जो है, कहते हैं लिअन्नहु यसिहु, बाजों ने क्या कहा? अतयबू आमिल नहीं है बल्कि हाजा आमिल है। तो दो दो जवाब दे रहे हैं साहिबे जामी, दो तरीके से उनको रद्द कर रहे हैं। पहला जवाब क्या दिया? क्योंकि हो सकता है मुशारुन इलैह क्या हो? तमरे याबिस हो, फिर तो इस सूरत में इशारा बुसरियत के साथ मुकय्यद नहीं हो सकता। दूसरी वजह जिक्र कर रहे हैं वली अन्नहु यसिहु, और इसलिए क्योंकि अतयबू यानी इसमें तफजील को आमिल बनाना सही होगा। हैसु उस जगह पर, हैसु उस जगह पर, वका मौके अस्मिल इशारती इसमुल ला यसिहु इमालुहु फीह। भाई पहले ये मिसाल देख लो, अगली मिसाल आ रही है। तमरतु नखली, मेरे दरख्त की जो खजूर है, नखल खजूर के दरख्त को कहते हैं। तमरतु नखली, मेरे दरख्त की जो खजूर है, बुसरन इस हाल में कि वो बुसर हो, अत्यबू ज्यादा अच्छी है, मीन हो उसी खजूर से, रुतबन रुतब होने की हालत में। अब इसमें देखो, पहले तो था हाजा, हाजा को हटाया तमरतु नखली ले आए, हाजा से तो उशीरू का फेल समझ में आ रहा था, तमरतु नखली इससे तो कोई फेल समझ में नहीं आ रहा, मेरे दरख्त की खजूर इससे तो कोई फेल समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपकी बात मान ली जाए हाजा को आमिल बनाते हैं तो यह हर जगह तो सही नहीं होगा, ये तो वहीं सही होगा जहां कोई ऐसा हाजा जैसा लफ्ज हो जिससे फेल समझ में आता हो, और जहां ऐसा लफ्ज हो जिससे फेल समझ में नहीं आता वहां क्या करेंगे? वहां तो फिर अतयबू ही को आमिल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो अतयबू को आमिल बनाना सही है क्योंकि क्योंकि बुसरन से पहले तमरतु नखली एक ऐसा इसम आया जिसको आमिल बनाना सही नहीं, क्योंकि इससे कोई माना फेल हमें समझ में नहीं आ रहा।
तो कहते हैं वली अन नहु यसिहु, और इसलिए क्योंकि अत्यबु को आमिल बनाना सही है, हैसु उस मकाम पर, वका मौका इस्मिल इशारती, कि इसमें इशारा के मकाम पर वाके हो जाए इस्मुन, कोई ऐसा इसम, ला यसिहु इमालुहु फीही, कि उसको इस हाल के अंदर आमिल बनाना सही न हो। भाई बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई, दो दलीलें जिक्र कर दी। क्या एक वजह यह कि अगर आप इसमें इशारा को आमिल बनाते हैं तो फिर तो इसका मतलब है जब आप इशारा कर रहे हो उस वक्त उसका बुसर होना जरूरी है, वरना उसके बगैर आप इशारा नहीं कर सकते। और दूसरी वजह यह है कि यहां तो इसमें इशारा है और उससे हमें फेल समझ में आ रहा है, दूसरी जगह ऐसी हो जहां पर इसमें इशारा के बजाय कोई और इसम आ जाए, जैसे यहां तमरतु नखली आ गया, अब इससे तो कोई फेल समझ में नहीं आ रहा, फिर तो इस सूरत में अब इसको तो आमिल नहीं बना सकते, तो अब तो अतयबु ही को आमिल बनाना सही होगा। या दूसरी सूरत यह है वली अन्नहु ला यसिहु, ये इबारत यूं पढ़ लें वली अन्नहु ला यसिहु। अब क्या तर्जमा है, पहला जवाब क्या दिया, सही न होने की दो वजह जिक्र करेंगे। पहली वजह जो पीछे जिक्र कर दी कि अगर आप हाजा को आमिल बनाते हैं तो फिर उस वक्त उस खजूर का बुसर की हालत में होना जरूरी होगा, उसके बगैर तो इशारा बुसरियत के साथ मुकय्यद नहीं हो सकता। और दूसरी वजह यह वली अन्नहु ला यसिहु, कि ये जो आपने हाजा को आमिल बनाया है, ला यसिहु यानी ये कुल्ली तौर पर सही नहीं, हर जगह पर यह सही नहीं हो सकता। ले अन्नहु ला यसिहु, इसलिए क्योंकि ये जो हाजा को आमिल बनाना ये सही नहीं हो सकता, हैसु उस मकाम पर, वका मौका इस्मिल इशारती, कि इसमें इशारा के मकाम पर वाके हो जाए इस्मुन, कोई ऐसा इसम, ला यसिहु इमालुहु फीही, कि उसका उसके अंदर आमिल बनाना सही नहीं होता। नहु तमरतु नखली बुसरन अत्यबु मिनहु रुतबन, बात समझ में आ गई। आगे सबक देखिए भाई, मतन देखिए, पहले कहते हैं वकद तकूनु जुमलतन खबरियतन फलिस्मियतु बिलवावी व जमीरी औ बिलवावी औ बिज़मीरी अला ज़ौफिन वल मुज़ारिउल मुस्बतु बिज़मीरी वहदहु व मा सिवाहुमा बिलवावी व जमीरी औ बिअहदिहिमा। ये सारी इबारत मिल गई। यहां से साहिब काफिया आपको यह बतलाएंगे कि हाल कभी कभार जुमला भी वाके होता है, और आप जानते हैं जुमला मिन हैसुल जुमला मुस्तकिल है, उसमें बात पूरी होती है, वो किसी से जुड़ने का मोहताज नहीं, लेकिन जब भी आप उसको किसी चीज से जोड़ें तो दरमियान में रबत जरूरी है, और वो रबत किसके जरिए दिया जाता है, उमूमन जमीर के जरिए दिया जाता है। तो इसी तरह हाल के अंदर भी है, जब जुमला हाल वाके हो तो आप इस हाल को जुलहाल से जोड़ना चाहते हैं तो दरमियान में रबत जरूरी है, तो उस जुमले के अंदर कोई जमीर होनी चाहिए जो जुलहाल की तरफ लौटे। भाई तो जुमला कभी कभार हाल भी वाके होता है और हाल को भी जुलहाल से जोड़ने के लिए उसमें क्या चाहिए, जमीर चाहिए। लेकिन एक और बात भी साथ याद रखना, हाल में रबत देने के लिए कभी कभार वाव भी ले आते हैं, उस जुमले के शुरू में वाव ले आते हैं ताकि जुमले के आगाज से ही सुनने वाले को पता चल जाए कि यह हाल वाके हो रहा है, क्योंकि वाव कहां पर आएगा, जुमले के आगाज में। तो हाल को जब जुलहाल से जोड़ना हो तो जमीर के जरिए भी रबत देते हैं और वाव के जरिए भी रबत देते हैं, और कभी दोनों के जरिए रबत देते हैं। तो कहते हैं वक़द तकूनु जुमलतन खबरियतन, और कभी कभार हाल जो है वो जुमला खबरिया होता है, लेकिन जरूरी है भाई कि वो जुमला जिसको आप हाल बनाना चाहते हैं वो जुमला खबरिया होना चाहिए। भाई क्यों जुमला खबरिया क्यों होना चाहिए, वजह यह कि आप जानते हैं कि जुलहाल जो है वो मुब्तदा के दर्जे में है, यानी महकूमुन अलैह है भाई, उस पर हुक्म लगाया जा रहा है, उसके बारे में एक बात बतलाई जा रही है आगे हाल की सूरत में। तो मुब्तदा होता है महकूमुन अलैह भाई, और हाल होता है वो जो हुक्म उस पर लगाया जा रहा है, यानी जो उसके बारे में बात बतलाई जा रही है। तो लिहाजा जरूरी है कि यह हाल जुमला खबरिया होना चाहिए, हाल जुमला खबरिया होना चाहिए, जुमला इंशाइया नहीं, क्योंकि जुमला इंशाइया खबर नहीं बन सकता। मैंने आपको बतलाया था कि जुमला इंशाइया खबर नहीं बन सकता। मसलन मसलन
आपके सामने एक जुमला है, लिखिए जरा अपने सामने एक जुमला लिखिए। इंशा की तरकीब मैं पहले भी करवा चुका हूं लेकिन खूब, ताकि आपको जहन नशीन हो जाए भाई। जल्दी जल्दी लिखिए भाई। जैदन ए जोरे बहू, जैदन ए जोरे बहू। तवज्जो है, देखो जैदन है मुबतदा, ए जोरेब फेले अमर, इसके अंदर अंता जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, और हा जमीर मनसूब महल्लन मफूल बिही, और ये हा जमीर किसको राजे है? जैद को, जैद को। तो फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया होकर, क्योंकि ये अमर है और अमर इंशा की किस्म है, तो ये जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर खबर हुआ किसके लिए? जैद के लिए। लेकिन इंशा तो खबर नहीं बन सकता, इंशा तो खबर नहीं बन सकता। तो याद रखो, इस तरह का कहीं मकाम आ जाए इंशा खबर बन रहा हो तो फिर उसमें तावील की जाती है, मकूलुन फीही या अकूलु फीही की। मकूलुन फीही, मकूलुन कौन सा सीगा है? इसमें मफूल, तो इसमें मफूल अपने नाई फाइल से मिलकर शिबे जुमला बनेगा और फिर यह खबर बनेगा मुब्तदा के लिए। और अगर आप अकूलू निकालते हैं तो अकूलू फेल अना जमीर इसके अंदर फाइल, तो यह जुमला फेलिया होकर यह खबर बनेगा जैद के लिए। तो जो भी तावील कर लें दोनों सूरतें ठीक हैं, चाहे आप शिबे जुमला बना लें मकूलुन फीह कह लें, या आप इसको जुमला बना लें अकूलु फीह कह लें। अब इसमें तरकीब कैसे होगी? याद रखो ये काला जो है, काला मसलन मैं कहता हूं कुल तु, मैंने कहा लहू उससे, आगे मकूला चाहिए भाई, क्या कहा, आगे वो बात भी चाहिए, तवज्जो है। तो वो जो काला के बाद आगे बात जिक्र की जाती है कि ये बात की गई है, वो याद रखो वो काला के लिए मफूल भी ही बनता है। वो क्या बनता है? काला के लिए मफूल भी ही बनता है। मसलन जरा अपने सामने एक और जुमला लिखो, कुल तु ले जैदिन, कुल तु ले जैदिन अमरुन आलिमुन, कुल तु ले जैदिन अमरुन आलिमुन। कुलतु फेल बा फाइल, ताजमीर मरफो महल्लन फाइल, लिजैदिन लाम जारा, जैदिन मजरूर लफ्जन, जार मजरूर मुतअल्लिक किससे? कुलतु से। देखो तर्जमा भी ठीक हो रहा है, कुलतु लिजैदिन मैंने जैद से कहा, जार मजरूर को जिससे जोड़ना हो तो उसके साथ जोड़कर बाकी लफ्जों को जरा कलाम से खत्म कर दिया करें और फिर तर्जमा किया करें, उमूमन तर्जमा बेहतरीन हो जाएगा अगर वो उसी से जुड़ रहा हुआ, और अगर उससे न जुड़ रहा हो तो फिर तर्जमा उमूमन सही नहीं होता। तो लिजैदिन मुतअल्लिक हुआ कुलतु फेल के साथ, आगे अमरुन आलिमुन, अमरुन मरफू लफ्जान मुबतदा, आलिमुन मरफू लफ्जन सिगा इसमें फाइल, और इसमें फाइल के लिए क्या चाहिए? फाइल चाहिए। तो इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, जो किसको राजे? अमर को या जैद को? बोलिए भाई, अमर को या जैद को? अमर को। क्यों? अमर को क्यों राजे? शाबाश, क्योंकि आलिमुन अमर की खबर है और खबर को मुब्तदा से जोड़ते हैं। मैं अमर के बारे में बतला रहा हूं कि अमर आलिम है, तो हुआ जमीर आलिमुन के अंदर वो मरफू महल्लन फाइल है और ये राजे है अमर को, इसके लिए रबत आ गया इसका खबर का मुब्तदा से। आलिमुन इसमें फाइल, अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर ये खबर मुब्तदा के लिए, और अमरुन मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये मकूला यानी मफूल भी ही हुआ कुलतू के लिए। मैंने कहा, क्या कहा? अमरुन आलिमुन, तो ये अमरुन आलिमुन मेरा मकूला है, मेरी कही हुई बात है, यानी ये मफूल भी ही है काला के लिए, तो ये मफूल भी ही हुआ किसके लिए? कुलतु के लिए। और मफूल भी ही का एराब क्या होता है? मनसूब होता है। तो ये जुमला, ये जो अमरुन आलिमुन, ये मनसूब है और महल्लन मनसूब है, क्योंकि जुमला मबनियात में से है, तो ये मफूल भी ही हुआ कुलतु के लिए। तो कुलतु फेल अपने फाइल मफूल भी ही और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तरकीब समझ में आ गई। और इसी कुलतु को अगर मैं कीला बना दूं, कीला कहा गया, कीला लिजैदिन, जैद से कहा गया, क्या कहा गया?
अमरुन आलिमुन, तो अब ये अमरुन आलिमुन नायबुल फाइल बन जाएगा, क्योंकि फेले मजहूल जब लाए तो मफूल भी ही क्या बन जाता है, नायबुल फाइल बन जाता है। तवज्जो है। तो अब देखिए भाई, अब हम वो तरकीब कर रहे थे जैदुन एजरेब हु, और ये एजरेब हु ये तो इंशा है और इंशा तो खबर नहीं बन सकता, तो फिर इसमें क्या ताबील करते हैं, अकूलु फीही या मकूलुन फीही। तो पहले हम इसकी अकूलु फीही के साथ ताबील कर लेते हैं। तो सुनो तरकीब भाई, जैदुन मरफू लफजान मुबतदा, अकूलो फेल, इसके अंदर आना जमीर मरफू महलन इसका फाइल, और फी ही फी जारा, हा जमीर मजरूर महलन किसको राजे, जैद को, जैद के बारे में मैं कह रहा हूं, ये फी ही जमीर साथ लाए हैं रबत देने के लिए, क्योंकि अकूलो पूरा जुमला बनेगा, अकूलो फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला बनेगा, और जुमले को जब भी किसी चीज से जोड़े दरमियान में क्या जरूरी, रबत जरूरी है, तो ये फी ही की हा जमीर क्यों लाए, रबत देने के लिए, तो फी जारा हा जमीर मजरूर महलन किसको राजे, जैद यानी मुब्तदा को राजे है, जार मजरूर मिलकर मुतालिक अकूलू से, और इजरिब हु ये जुमला फेलिया इंशाइया ये मकूला हुआ अकूलू के लिए, मैंने ये कहा, क्या कहा, इजरिब हु, तो ये मकूला हुआ किसके लिए, अकूलू फेल के लिए, यानी ये मफूल भी ही बन गया, ये मफूल भी ही बन गया, तो अकूलु फेल अपने फाइल मफूल भी ही और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये खबर हुई जैद मुब्तदा के लिए, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तर्जमा करो, जैदुन अकूलु फी ही इजरिब हु, जैद के अकूलु फी ही मैं उसके बारे में कहता हूं इजरिब हु, जैद के मैं उसके बारे में क्या कह रहा हूं, ए जरिबू यानी कि उसकी पिटाई करो, या दूसरी सूरत है मकूलुन फी ही के साथ तावील कर लो। भाई अकूलू तो फेले मारूफ था, फेले मारूफ के लिए आगे जुमला वो जो मकूला होता है वो मफूल भी ही बनता है, और मकूलुन तो इसमें मफूल है, और इसमें मफूल के लिए क्या चाहिए, नाई फाइल, और नाई फाइल किसको बनाते हैं, वो ही जो पहले मफूल भी ही था, अब क्या बन जाता है, नाई फाइल, तो मकूलुन सीगा इसमें मफूल, और फी जारा हा जमीर मजरूर महलन जो जैद को राजे, जार मजरूर मिलकर मुतालिक किससे, मकूलुन से, और आगे इजरिब हु ये नायबुल फाइल बन गया मकूलुन के लिए, पहले ये मफूल था अकूलू के लिए, अब वही नाई फाइल बन गया, ये जो मकूला है ये मकूल के लिए नाई फाइल बन गया, और इसमें मफूल अपने नाई फाइल और मुतालिक जो है यानी फी ही से मिलकर शिवे जुमला होकर यह खबर हुई जैद की, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तरीका समझ में आया, जहां पर भी खबर जो है वो इंशा वाके हो तो आप ये तावील वहां कर सकते हैं, चाहे मकूलुन फी ही कह लें चाहे अकूलु फी ही कह लें, तरीका समझ में आ गया। तो बात ये चल रही थी, इन्होंने आपको कहा वक़द तकून जुमलतन खबरियतन, कि कभी कभार हाल जो है जुमला खबरिया होता है, तो ये खबरिया की कैद क्यों लगाई, क्योंकि जुलहाल जो है मुब्तदा के दर्जे में, और हाल किसके दर्जे में, खबर के दर्जे में, और खबर तो इंशा वाके नहीं हो सकती, लिहाजा मालूम हुआ कि जो हाल जो जुमला बनेगा वो भी इंशा नहीं होना चाहिए, बल्कि जुमला खबरिया होना चाहिए। बात समझ में आ गई, जुमला खबरिया जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। देखिए भाई मतन कहते हैं वक़द तकूनु जुमलतन खबरियतन, और कभी कभार हाल जो है वह जुमला खबरिया होता है, फल इस्मियतु बिलवावी व जमीरी। अच्छा भाई इधर देखिए, फिर आपको बताएंगे जुमले की पांच किस्में हैं भाई, जुमले की पांच किस्में। देखो इब्तिदान दो किस्म है, एक जुमला इस्मिया एक जुमला फेलिया, एक जुमला इस्मिया एक जुमला फेलिया। फिर जो जुमला फेलिया है उसके शुरू में फेल आएगा, तो वो फेले मुजारे भी हो सकता है, फेले माजी भी, फिर वो मुजारे मुस्बत भी हो सकता है, मुजारे मनफी भी, इसी तरह माजी मुस्बत भी हो सकता है, माजी मनफी भी। तो ये पांच किस्में बन गई, एक जुमला इस्मिया, एक मुजारे मुस्बत, एक मुजारे मनफी, एक माजी मुस्बत, एक माजी मनफी, कितनी किस्में, पांच किस्में बन गई। तो बताएंगे कि इनमें से जो जुमला इस्मिया है उसका रबत चाहिए जुलहाल के साथ,
तो वो रबत आप वाओ के साथ भी दे सकते हैं, जमीर के साथ भी दे सकते हैं, और दोनों के साथ भी दे सकते हैं कि आप वाओ भी ले आए और जमीर भी ले आए। तवज्जो है। तो जुमला इस्मिया अगर हाल वाके हो तो रबत देने की कितनी सूरतें? तीन सूरतें। कौन सी? या तो वाओ और जमीर दोनों ले आओ, या सिर्फ जमीर लाओ, या सिर्फ वाओ लाओ। तीनों सूरतों के साथ आप रबत दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ जमीर से रबत देना ज़ईफ है। सिर्फ जमीर से रबत देना ज़ईफ है। वजह यह कि वाओ के साथ जब आप रबत देंगे तो वाओ तो जुमले के शुरू में आता है, तो शुरू से ही पता चल जाएगा कि ये जो आगे जुमला आ रहा है ये कोई अलग मुस्तकिल बात नहीं है, इसको जोड़ना है माकबल में जुलहाल के साथ। और जबकि जमीर तो जुमले के बीच में कहीं पर आएगी, तो शुरू से ही पता नहीं चलेगा कि यह जुमला हाल वाके हो रहा है। तो जुमला इस्मिया को सिर्फ जमीर के साथ रबत देना हाल के साथ यह ज़ईफ है। और बाकी कितनी किस्में रह गई? चार किस्में जुमले की रह गई। मुजारे मुस्बत, मुजारे मनफी, माजी मुस्बत, माजी मनफी। इनमें से जो मुजारे मुस्बत है, मुजारे मुस्बत है, उसका रबत सिर्फ जमीर के साथ दे सकते हैं, वाओ के साथ नहीं। उसका रबत सिर्फ जमीर के साथ आप हाल के साथ रबत दे सकते हैं, यहां वाओ नहीं ला सकते। और बाकी जो तीन किस्में रह गई, मुजारे मनफी और इसी तरह माजी मुस्बत और माजी मनफी, उन तीनों के अंदर तीनों तरह से रबत दे सकते हैं। सिर्फ वाओ के साथ रबत देना भी सही, सिर्फ जमीर के साथ रबत देना भी सही, और दोनों के साथ रबत देना भी सही है। तफसील समझ में आ गई। अब देखिए किताब पर, मतन देखिए। कहते हैं फल इस्मिया तो बिलवा विवा जमीरी, तो जुमला इस्मिया जो है वो वाओ और जमीर के साथ होगा, यानी दोनों होंगे। औ बिलवा भी, या सिर्फ किसके साथ होगा? वाओ के साथ होगा। औ बिल जमीर अला ज़ौफिन, या सिर्फ जमीर के साथ होगा ज़ौफ पर, यानी सिर्फ जमीर के साथ रबत देना ज़ईफ है। वल मुजारे उल मुस्बतु बिल जमीर वहदहू, और मुजारे मुस्बत जो है वो सिर्फ जमीर के साथ आएगा, वहां रबत सिर्फ जमीर से दे सकते हैं, वाओ के साथ नहीं दे सकते। वमा सिवाहुमा, और इन दोनों के अलावा जो हैं, कौन से दोनों? एक जुमला इस्मिया और एक मुजारे मुस्बत। इसके अलावा यानी बाकी तीनों जुमले जो हैं, बिल वावी व जमीरी और बी अहदिहिमा, उनका रबत वाओ और जमीर दोनों के साथ होगा, और बी अहदिहिमा, ये दोनों में से एक के जरिए होगा। बात समझ में आ गई। अब आइए सारे को शरा के साथ देखें। कहते हैं वक़्त तकून अयल हाल जुमलतन, और कभी कभार हाल जो है वो जुमला होता है, लिदलालतिहा अला है अतिन कल मुफरदाती। भाई सवाल, जुमला कैसे हाल वाके हो सकता है? जानी जैदुन राकिबन, ये राकिबन तो मुफरत का सीगा है, ये तो हाल पे दलालत कर रहा है। राकिबन का क्या माना? किस हालत में है? सवार होने की हालत में है। तो जुमला कैसे हाल वाके हो सकता है? तो आपको बतलाएंगे कि भाई जुमला भी हालत और सिफत पे दलालत करता है। जुमला भी जैदुन आलिमुन, मैंने क्या बतलाया आपको कि जैद आलिम है, तो आलिम होने के वसफ का पता चला या नहीं आपको कि जैद आलिम है? तो जुमला भी हालत और सिफत बतलाता है भाई। तो कहते हैं वक़्त तकून अयल हाल जुमलतन, और कभी कभार हाल जुमला होता है, लिदलालतिहा अलल है अति, बवजह इसके दलालत करने है अत पर, यानी सिफत पर, कल मुफरदाती, जैसे के मुफरदात होते हैं जो जैसे वो है अत पर दलालत करते हैं। फयसिहु अंतका हालन मिसलहा, तो सही है कि वो जुमला हाल वाके हो जाए मिसलहा, इस हाल में कि वो मुफरदात के मिसल है। भाई देखिए ये इबारत समझ लो, फयसिहु अंतका, तका के अंदर हिया जमीर जो राजे है जुमले को, वो जुमला वाके हो, आगे हालन ये मफूल भी ही है, वो जुमला हाल वाके हो, और मिसलहा ये हाल है जुमले से, किससे? इस हाल में कि वो जुमला मिसलहा, वो इन मुफरदात के मिसल है। बता तो दिया कि जुमला भी मुफरदात की तरह हालत पे दलालत करता है, तो ये उनके मिसल हुआ। तो कहते हैं फयसिहु अंतका हालन मिसलहा, तो सही हुआ कि वो जुमला हाल वाके हो इस हाल में कि ये उन मुफरदात के मिसल है। वलाकिन यजिब अन तकून अल जुमलतुल हालियतु खबरियतन मुहतमिलतन लिस्सिद्क वल कज़िब
लेकिन वाजिब है कि वो जुमला हालिया वो ऐसा जुमला खबरिया होना चाहिए जो एहतमाल रखता हो सिदक और किजब का। यह तफसीर कर दी कि खबरिया कहते ही किसको हैं जिसमें सिदक और किजब दोनों का एहतमाल हो, तो वो ऐसा जुमला खबरिया हो मुहतमिलतन लिस्सिदक वल कज़िबी जो सिदक और किजब का एहतमाल रखता हो, लिअन्नल हाल अभी मंजिलतिल खबरी अन ज़िल हाली, इसलिए क्योंकि ये जो हाल है ये ज़ुल हाल से खबर के दर्जे में है। व इजरा अहा अलैहि फी कुव्वतिल हुक्म बिहा अलैहि, ये इजरा अहा का आतफ करें अल हाल पर, और अल हाल अन्ना का इसम है लिअन्नल हाला, तो लिहाजा इजरा अहा को भी क्या पढ़ें मनसूब पढ़ें। फिर देखें तर्जमा लिअन्नल हाल बी मंजिलतिल खबर अन ज़िल हाल, इसलिए क्योंकि हाल जो है वो ज़ुल हाल से खबर के दर्जे में होता है। व इजरा अहा अलैहि, और हाल को जारी करना ज़ुल हाल पर फी कुव्वतिल हुक्म बिहा अलैहि, वो इसी कुव्वत में है कि हुक्म लगाया जा रहा है हाल का अलैहि उज़ुल हाल पर। वल जुमलतुल इंशाइयतु ला तस्लुहु अन युहकम बिहा अला शयइन, और जुमला इंशाइया वो सलाहियत नहीं रखता कि उसके जरिए किसी चीज पर हुक्म लगाया जाए। वलम्मा कानतिल जुमलतु मुस्तकिल्लतन फिल इफादती ला तक्तजिर तिबातहा बिगैरिहा, और जब जुमला जो है वो मुस्तकिल है फिल इफादती फायदा देने में, भाई जुमला मुस्तकिल है यानी फायदा देने में मुस्तकिल है, वो किसी से जुड़ने का मोहताज नहीं, उसमें एक मुब्तदा और एक खबर है, या उसमें एक फेल या उसका आगे फाइल या नाई फाइल है, उसमें बात पूरी होती है, मुस्नद भी मौजूद होता है और मुस्नद इले भी, लिहाजा वो किसी से जुड़ने का मोहताज नहीं, तो वो फायदा देने में मुस्तकिल है, उसमें बात पूरी है, लेकिन आप उसको जोड़ना चाहते हैं तो रबत चाहिए। तो कहते हैं वलम्मा कानतिल जुमला तो मुस्तकिल्लतन फिल इफादती, लेकिन जब वो जुमला मुस्तकिल है फायदा देने में, ला तक्तजिर तिबातहा बिगैरिहा, वो तकाजा नहीं करता किसी और के साथ जुड़ने का, वल हाल मुर्तबिततुम बिगैरिहा, और हाल तो जुड़ा हुआ होता है अपने अलावा के साथ यानी ज़ुल हाल के साथ। फैदा वकातिल जुमला तो हालन, तो बस जुमला जब हाल वाके हो, ला बुद्दा लहा मिन राबिता तिन तरबितुहा इला साहिबिहा, राबिता ये नकेरा है और तरबितुहा ये उसके बाद फेल आया, और नकेरा के बाद फेल आया तो उसके लिए क्या बनता है सिफत बनता है, और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं, तो मैं राबिता से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाऊंगा, आप तर्जमा फिर सुने। फ़इज़ा वक़ातिल जुमलतु हालन, पर जुमला जब हाल वाक़े हो, ला बुद्दा लहा मिन राबितातिन, तो जरूरी है उसके लिए कोई ऐसा राबिता, कोई ऐसी जोड़ने वाली चीज, तरबितुहा जो उसको जोड़ दे, इला साहिबिहा इसके साहिब यानी ज़ुल हाल से, वही ज़मीर वल वावु, और ये चीज जो रबत देने वाली है वो ज़मीर और वाव है। वल जुमलतुल खबरियतु, और जुमला खबरिया जो है इमस्मियतुन औ फ़ेलियतुन, या तो वो जुमला इस्मिया होगा या फ़ेलिया होगा। वल फ़ेलियतु इम्मा अन यकून फ़ेलुहा मुज़ारिअन मुस्बतन औ मुज़ारिअन मनफियन औ माज़ियन मुस्बतन औ माज़ियन मनफियन, और फ़ेलिया जो है इम्मा अन यकून फ़ेलुहा, या तो उसका फ़ेल जो है वो मुज़ारे मुस्बत होगा या मुज़ारे मनफी होगा, या माजी मुस्बत होगा या माजी मनफी होगा। फ़हादिही खम्सु जुमलिन, तो ये पांच जुमले हुए, तो ये पांच जुमले हैं। फलिस्मियतु अइल जुमलतुल इस्मियतुल हालियतु मुतलब्बिसतुम बिलवावि वज़्ज़मीरि, तो जुमला इस्मिया जो है अइल जुमलतुल इस्मियतुल हालियतु, यानी वो जुमला इस्मिया जो हालिया हो, मुतलब्बिसतुन बिलवावि वज़्ज़मीरि, वो मुतलब्बिस होता है वाव और जमीर के साथ। तलब्बुस का माना है ताल्लुक भाई, तलब्बुस का क्या माना है ताल्लुक भाई, और ये बिलवावि वज़्ज़मीरि, देखो ये जार मजरूर है बा जारा है, बिलवावि वज़्ज़मीरि, साहिब जामी ने मुतलब्बिसतुन निकाला, आप निकालें साबितातुन, वल इस्मियतु साबितातुन बिलवावि वज़्ज़मीरि, जुमला इस्मिया व और जमीर के साथ साबित होता है। तो बहरहाल तलब्बुस का माना है ताल्लुक भाई, एक चीज का दूसरी चीज से मिल जाना, ताल्लुक हो जाना। तो जुमला इस्मिया जो है वो मुतलब्बिस होता है वो और जमीर के साथ, यानी उसके साथ वो और जमीर होते हैं। मान इकट्ठे ही,
यानी कभी इकट्ठे होंगे कभी दोनों में से एक एक आएगा। तो ये पहली सूरत वो है जिसमें वाव और जमीर बिल वावि व जमीर मान, वाव और जमीर इकट्ठे होंगे लिकुवतिल इस्मियति फिल इस्तिक्लाली, इसलिए क्योंकि जुमला इस्मिया जो है लिकुवतिल इस्मियति बवजह कवी होने के जुमला इस्मिया के फिल इस्तिक्लाली इस्तिक्लाल में। भाई देखिए, एक है जुमला इस्मिया, एक है जुमला फेलिया। जुमला मुस्तकिल होता है, चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया, लेकिन जुमला इस्मिया ज्यादा कवी है मुस्तकिल होने में। तवज्जो है, जुमला इस्मिया भी मुस्तकिल, जुमला फेलिया भी मुस्तकिल, लेकिन ज्यादा कवी इस्तिकलाल किसके अंदर है? जुमला इस्मिया में। वो ज्यादा कवी है मुस्तकिल होने के एतबार से। भाई क्या माना? कहते हैं शायद साहिब जामी की मुराद यह है, कहना यह चाहते हैं कि चूंकि जुमला इस्मिया अमूमन दो इस्मों से मिलकर बनता है, एक मुब्तदा और एक खबर, इसके अज्जा भी मुस्तकिल हैं। भाई एतबार इसमें इस्तिक्लाल की कुव्वत ज्यादा है। भाई आप जानते हैं कलिमा तीन किस्म पर है, इसम फेल हर्फ। इसम मुस्नद इलैह भी बनता है और मुस्नद भी बनता है, फेल सिर्फ मुस्नद बनता है, मुस्नद इलैह नहीं बनता, और हर्फ ना मुस्नद बनता है और ना मुस्नद इलैह, और कलाम के लिए हमेशा मुस्नद इलैह भी चाहिए और मुस्नद भी। तो इसम इनमें सबसे कवी है, क्योंकि सिर्फ इसम हो, एक को मुस्नद इलैह बना दो एक को मुस्नद बना दो, क्योंकि ये दोनों बन सकता है तो इससे पूरा कलाम हासिल हो जाएगा। फेल का दर्जा उससे कम है, क्योंकि फेल मुस्नद तो बनता है मुस्नद इलैह नहीं, लिहाजा अकेले फेल से कभी भी कलाम पूरा नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आगे कोई इसम चाहिए जो फाइल या नाई फाइल बने, मुस्नद इलैह बने, फिर कलाम पूरा होगा। और हर्फ इनमें सबसे ज़ईफ है, क्योंकि वह ना मुस्नद बनता है और ना मुस्नद इलैह। तो चूंकि जुमला इस्मिया इसके दोनों जुज क्या होते हैं? अमूमन इसम होते हैं, तो गोया ये जुमला भी मुस्तकिल और इसके अज्जा भी मुस्तकिल, तो बई एतबार मालूम हुआ इसके इस्तिकलाल में ज्यादा कुव्वत है। तो चूंकि ज्यादा कुव्वत है तो लिहाजा यहां वो और जमीर दोनों के साथ रबत देंगे, और सिर्फ वो के साथ भी रबत देना ठीक है ताकि आगाज से ही पता चल जाए कि यह हाल वाकई हो रहा है, लेकिन सिर्फ जमीर से रबत देना ज़ईफ है। कहते हैं जुमला इस्मिया वो और जमीर दोनों के साथ होगा, लिकुवतिल इस्मियत फिल इस्तिक्लाली बवजह जुमला इस्मिया के इस्तिक्लाल के अंदर कवि होने के, फनासब अन तकूना राबितत फीहा फी गायतिल कुव्वति, तो मुनासिब हुआ कि इसके अंदर जो रबत देने वाली चीज है वो भी इंतहाई कुव्वत के दर्जे में हो, इसके अंदर जो रबत देने वाली चीज है फी गायतिल कुव्वति, कुव्वत के अंदर वो इंतहा को पहुंची हुई हो। नहु जितु व अना राकिबुन, जिता व अंता राकिबुन, जा अनी जैदुन व हुआ राकिबुन। जी अब तरकीब कीजिए, पता चलेगा भाई आपको कितनी तरकीब आ चुकी है। जी तरकीब कीजिए, जे तो व अना राकिबुन, ये ताज अमीर है जुलहाल, और आगे व अना राकिबुन ये पूरा जुमला हाल है। अगली मिसाल, जिता व अंता राकिबुन, जिता ये ताज अमीर है जुलहाल और व अंता राकिबुन पूरा जुमला हाल है। और तीसरी मिसाल है जा अनी जैदुन, इसमें जैद जो है यह है जुलहाल और वह हुआ राकिबुन पूरा जुमला हाल है। जी तरकीब कीजिए, जितु व आना राकिबुन, जितु फेल बा फाइल, इसके अंदर ताजमीर मरफू महलन, इसका फाइल है और यह है जुलहाल, वो हालिया, वो हालिया, आना मरफू महलन मुबतदा, राकिबुन मरफू लफ्जन सीगा इसमें फाइल, इसके अंदर आना जमीर शाबाश। मैंने आपको बतलाया था कि सिफत के सीगे को जिस किस्म की जमीर से जोड़ें उसके अंदर भी वही जमीर होगी। आना राकिबुन, तो राकिबुन में कौन सी जमीर? आना। अंता राकिबुन, तो राकिबुन में कौन सी जमीर? अंता। और हुआ राकिबुन, तो राकिबुन के अंदर कौन सी जमीर? हुआ। और जैदुन राकिबुन, तो अब राकिबुन में कौन सी जमीर? हुआ, क्योंकि हुजैद ये तो इसमें जाहिर है, और याद रखना इसमें जाहिर भी गायब के दर्जे में होता है, इसलिए इसके लिए भी गायब की जमीर निकालते हैं। भाई गायब के दर्जे में क्यों होता है इसमें जाहिर?
इसलिए क्योंकि नाम ले रहे हैं आप, जमीर नहीं ला रहे। मुतकल्लिम अपने लिए भी जमीर इस्तेमाल करता है, मुखातब के लिए भी जमीर इस्तेमाल करता है। नाम जो लिया जाता है ना, वो किसी ऐसे का लिया जाता है जो वहां मौजूद ना हो, और उसका भी एक दफा नाम लेते हैं, फिर उसके लिए भी जमीरें लाते हैं। तो इसमें जाहिर याद रखना हमेशा किसके दर्जे में है, गायब के दर्जे में है, लिहाजा उसके लिए गायब की जमीर निकालेंगे। तो जे तो वह अना राकिबुन हम तरकीब कर रहे थे। अच्छा, वो हालिया अना मरफू महल्लन मुब्तदा, राकिबुन मरफू लफ्जन सिगा इसमें फाइल, इसके अंदर अना जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल। और फिर यह भी याद रखना, मैंने आपको बताया था कि मर्जिया सिर्फ गायब की जमीर का होता है, मुतकल्लिम और मुखातब की जमीर का मर्जिया नहीं, क्योंकि मुतकल्लिम और मुखातब तो आमने सामने मौजूद हैं। तो अब आप यह ना कह देना कि राकिब उनके अंदर अना जमीर ये इस अना जमीर को राजिया है, नहीं नहीं, बस यूं कहें रबत आ गया। भाई जब राजिया नहीं है तो रबत कैसे आया? तो जवाब यह कि आप राकिबुन को किससे जोड़ना चाहते हैं? आना से, और वही आना किसके अंदर है? राकिबुन में भी है, तो रबत आ गया। जैसे अलहाकतु मलहाका, अलहाकतु है मुब्तदा और मलहाका ये पूरा जुमला ये है इसकी खबर। तो सवाल पैदा हुआ इसमें तो कोई जमीर नहीं, तो जवाब यह कि जिस अलहाका से ये पूरा जुमला मलहाका को हम जोड़ना चाहते हैं वो खुद अलहाका इसके अंदर मौजूद है, तो रबत आ गया। तो यहां पर भी आना से हम राकिबुन को जोड़ना चाहते हैं तो राकिबुन के अंदर आना जमीर आ गई, तो रबत आ गया। अच्छा, तो आना मुब्तदा और राकिबुन ये शिबे जुमला उसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर यह हाल हुआ जितु की ता जमीर से, और पूरा जुमला जब हाल वाके हो तो रबत जरूरी। तो इसका क्या रबत है जितु के साथ? जे एक तो वो के जरिए रबत आया, दूसरा जमीर के जरिए भी। जोड़ना किससे चाहते हैं? जितु की ता जमीर है जो वाहिद मुतकल्लिम की है, और इसके अंदर व अना राकिबुन, इसमें अना जमीर भी कौन सी है? वाहिद मुतकल्लिम की। तो जमीर के जरिए भी रबत आ गया। सूरत समझ में आ गई? हां, सिर्फ सूरतें अलग हैं, जमीर एक ही है। जितु की ता और अना ये दोनों वाहिद मुतकल्लिम की जमीरें हैं, सिर्फ सूरत अलग अलग है। जेतु की जो ता है वो जमीरे मरफूअ मुत्तसिल है, वो जुड़ी हुई है, और अना जमीरे मुनफसिल है। भाई तर्जमा क्या हुआ? जेतु व अना राकिबुन, मैं आया इस हाल में कि मैं सवार था, यानी मैं सवार होकर आया। व जेता व अंत राकिबुन, यहां राकिबुन के अंदर कौन सी जमीर है? अंत, शाबाश। व जा अनी जैदुन व हुआ राकिबुन, यहां राकिबुन के अंदर कौन सी जमीर है? हुआ है, शाबाश। आगे देखिए, औ बिलवा विवाहदहा, या वो जुमला इस्मिया अकेले वो के साथ होगा, यानी उसके जरिए रबत दिया जाएगा। ले अन्नहा तदुल्लु अला रबती फी अव्वलिल अमरी, इसलिए क्योंकि वो जो है वो रबत पर दलालत करता है, फी अव्वलिल अमरी, इब्तिदाए अमर में ही, यानी शुरू से ही जुमले के पता चल जाएगा कि यह जुमला हाल वाके हो रहा है। फक्तुफिया बिहा, तो उसी पर इक्तफा कर लिया जाएगा, उसी पर इक्तफा कर लिया जाएगा। जी, इक्तफा कर लिया जाएगा, जरा तरकीब करो। फक्तुफिया बिहा, इक्तफा तो फेले लाजिम है, और इक्तफा फेले लाजिम, इसके लिए मफूल आता ही नहीं, मफूल आता ही नहीं। तो जब फेले मारूफ से मजहूल बनाते हैं तो जो मफूल होता है उसको नायबुल फाइल बनाते हैं, और इक्तफा फेल के लिए तो मफूल भी ही आता ही नहीं है। तो फिर जब मजहूल बना दिया तो अब नायबुल फाइल किसको बनाए? किसको बनाएंगे नायबुल फाइल? हां, शाबाश, मैंने बताया था कि ये जो बिहा जार मजरूर है इसी को क्या बना देंगे? नायबुल फाइल। या उक्तुफिया के अंदर हुआ जमीर राजे कर लें किसकी तरफ? हुआ जमीर इसी के मस्तर को राजे कर लें, इसी के मस्तर को राजे कर लें, और वो क्या है? इक्तफा। फक्तुफिया लिक्तफा उबिहा, और फिर उक्तुफिया का तर्जमा किससे कर लें? यकाऊ के साथ, ऐफा यकाऊ लिक्तफा उबिहा, तो उसके जरिए इक्तफा वाके हो जाएगी। तरीका समझ में आया? तो ये हमेशा याद रखो भाई, जगह जगह आपको ये तरकीबों में काम आएगा।
तो कहते हैं फक तुफिया बिहा, तो इसी वाव पर ही इक्तिफा कर लिया गया क्योंकि इससे शुरू में ही पता चल गया कि अगला जुमला हाल वाके हो रहा है। मिस्लु कौलिही अलैहि सलाम, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, कुंतु नबीयन, मैं पैगंबर था, व आदमु बैनल माई व तीनी, इस हाल में कि हजरत आदम अलैहि सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे, कि मैं नबी था इस हाल में कि हजरत आदम अलैहि सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे भाई, यानी हजरत आदम अलैहि सलाम अभी रूह और जिस्म के मराहिल में थे, यानी अभी उनकी रूह का ताल्लुक उनके जिस्म के साथ न हुआ था भाई, मैं उस वक्त भी नबी था भाई, उस वक्त भी नबी था। याद रखो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि हुजूर अलैहि सलाम हकीकत के एतबार से तमाम अंबिया पर मुकद्दम हैं। हां, जुहूर हुजूर अलैहि सलाम का सबसे आखिर में हुआ है, तो हकीकत के एतबार से हुजूर अलैहि सलाम सब पर मुकद्दम हैं। यह कायनात को अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहि सलाम के लिए पैदा फरमाया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम जो हैं वो हकीकत के एतबार से सब पर मुकद्दम थे, अलबत्ता जुहूर के एतबार से मुअख्खर हैं भाई। चुनांचे इस हदीस में इसी बात की तरफ इशारा है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुंतु नबीयन, मैं पैगंबर था, व आदमु बैनल माई व तीनी, और आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी में थे, यानी अभी वो जिस्म और रूह के मराहिल में थे, अभी उनकी रूह का ताल्लुक उनके जसद मुबारक से नहीं हुआ था, मैं उस वक्त भी पैगंबर था। बात समझ में आ गई। उलमा ने इस हदीस के अल्फाज और इसकी सनद के बारे में कलाम किया है, लेकिन और अहादीस ऐसी मौजूद हैं जिनके अल्फाज इससे कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसमें यही बात जिक्र की गई है। जैसे कि एक हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आपके लिए नबूवत कब साबित हुई? फरमाया कि कुंतु नबीयन व आदमु बैन रूह वल जसदी, मैं पैगंबर था कि अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जसद के बीच थे, यानी अभी वो इन मराहिल से गुजर रहे थे, अभी उनकी रूह का उनके जसद से ताल्लुक नहीं हुआ था, मैं उस वक्त भी नबी था। बात समझ में आ गई। अहले सुन्नत वल जमात तो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम हकीकत के एतबार से सब पर मुकद्दम हैं और जुहूर आपका तमाम अंबिया के आखिर में हुआ है, जबकि बाज़ उलमा फिर इसका माना यह करते हैं कि कुंतु नबीयन, मैं नबी था, यानी अल्लाह ने मेरे लिए फैसला फरमा दिया था नबी होने का, जबकि अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के मराहिल से गुजर रहे थे, उस वक्त ही अल्लाह ने मेरे लिए नबूवत का फैसला फरमा दिया था। लेकिन अगर यह तौजीह की जाए, यह तौजीह की जाए, फिर यह फैसला तो हर पैगंबर के लिए हो चुका था, अल्लाह के इलम में तो सब कुछ था, तो अगर माना यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी इन मराहिल में थे और मेरे लिए नबूवत का फैसला अल्लाह फरमा चुके थे, फिर तो हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई इसमें खुसूसियत बाकी न रही, क्योंकि यह फैसला तो बाकी अंबिया के लिए भी उनकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह फरमा चुके थे कि इनको मैंने पैगंबर बनाना है। बल्कि इसका माना यह है, उलमा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर नबूवत के अहकाम उससे पहले भी जारी थे और बाकी अंबिया जो हैं जब दुनिया में तशरीफ लाए और उनको भेजा गया अपनी कौमों की तरफ, उस वक्त उन पर नबूवत के अहकाम जारी हुए, उससे पहले जारी नहीं थे, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम पर इससे पहले से ही नबूवत के अहकाम जारी थे। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि असल नबूवत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की है, हुजूर के लिए ही अल्लाह ने सब कुछ पैदा फरमाया और बाकी अंबिया को जो नबूवत मिली वो हुजूर के वसीले से मिली है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चूंकि आखिर में आना था तो उनसे पहले अल्लाह और अंबिया को दुनिया में भेजते रहे और ये अंबिया दुनिया में नबूवत का काम सरंजाम देते रहे हुजूर अलैहिस्सलाम के नाइब होने की हैसियत से। असल कौन थे? हुजूर। चूंकि अभी असल आए नहीं तो ये नाइब जो थे ये उनका काम सरंजाम देते रहे भाई, और फिर आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो देखिए ये हदीस में कुंतु नबीयन, मैं नबी था, व आदमु बैनल माई व तीनी, इस हाल में कि आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी में थे भाई। तीन याद रखो गारे को कहते हैं, गारे को, किसको? गारे को। और तो होना तो यूं चाहिए था कि आदम अलैहिस्सलाम बैनल माई व तुराब, आम मिट्टी को तुराब कहते हैं अरबी में,
आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी में थे, यानी इन मराहिल से गुजर रहे थे, लेकिन हदीस में क्या लफ्ज आया, वतीन। आदम अलैहिस्सलाम पानी और गारे के मराहिल में से गुजर रहे थे, चूंकि उस मिट्टी ने बिल आखिर बनना क्या था, गारा ही बनना था पानी के साथ मिलकर, तो इसलिए बैतबारे मा या ऊल के पहले ही उसको क्या कह दिया गया, तीन कह दिया गया। भाई बात समझ में आ गए। अब देखो व आदमु बैनल मा इव तीन, ये पूरा जुमला हाल वाके हो रहा है और इसमें कोई जमीर नहीं है जो माकबल की तरफ लौटे, तो यहां रबत सिर्फ किसके जरिए आया, वाव के जरिए आया। भाई तो कहते हैं वहादा अय रब्तु बिल वावी वहदहा औ बिहा मा ज़मीरी इन्नमा यकून फिल हालिल मुंतकिलती। यहां से एक और फायदा बतला रहे हैं कि एक है हाले मुंतकिला और एक है हाले मुअक्किदा। याद रखो हाले मुंतकिला नाम से ही पता चल रहा है, जो मुंतकिल हो जाता है, यानी जो अपने जुल्हाल के साथ हमेशा नहीं रहता। जानी जैदुन राकिबन, जैद मेरे पास सवार होकर आया, मुझे बताइए ये रुकूब जैद से जुदा होता है या नहीं होता, जुदा हो जाता है, तो ये हाले मुंतकिला है जो अपने जुल्हाल से जुदा हो जाए। और कभी कभार हाल ऐसा होता है कि वो अपने जुल्हाल से जुदा नहीं होता, जैसे ही आगे मिसाल आ रही है अगली सतर में, हुवल हक ला शक कफी ही, ये ला शक कफी ही हाल है हक से, हुवल हक वो हक है, ला शक कफी ही इसमें कोई शक नहीं, तो हक जो है इससे ला शक कफी ही हाल आया, और ये इस जुल्हाल से जुदा नहीं होता, क्योंकि जो भी हक हो उसमें शक नहीं होता। भाई तो ये क्या है, हाले मुअक्किदा, यानी ये उसी जुल्हाल को पक्का कर रहा है, ये उससे जुदा नहीं होता, तो इसको हाले मुअक्किदा कहते हैं। लिहाजा यहां दरमियान में वाव नहीं ला सकते, क्योंकि वाव तो इन्फिसाल पे दलालत करता है। जानी जैदुन व अमरुन, ये जैद और अमर के दरमियान वाव आया, इसने क्या बतलाया कि जैद और है और अमर और है, जबकि हाले मुअक्किदा वो तो अपने जुल्हाल को पक्का कर रहा होता है, और मुअक्कद और ताकीद के दरमियान वाव नहीं लाया जाता। लिहाजा हाले मुंतकिला में तो वाव ला सकते हैं, लेकिन हाले मुअक्किदा में वाव नहीं ला सकते। तो कहते हैं वहादा अय रब्तु बिल वावी वहदहा औ बिहा मा ज़मीरी, और ये जो है यानी सिर्फ वाव के जरिए रबत, औ बिहा मा ज़मीरी या वाव के साथ जमीर के जरिए रबत जो है, इन्नमा यकून फिल हालिल मुंतकिलती, ये हाल मुंतकिला में होता है, व अम्मा फिल हालिल मुअक्किदती फला तजूज़ुल वावु, और बाकी हाल मुअक्किदा जो है तो उसके अंदर वाव जायज नहीं। तकूलु आप कहते हैं हुवल हक्कु ला शक्का फीही, तो यहां ला शक्का से पहले वाव लाना जायज नहीं, क्योंकि हाल मुअक्किदा है। वज़ालिका और ये इसलिए, लिअन्नल वाव ला तदखुलु बैनल मुअक्कद वल मुअक्किदी, इसलिए क्योंकि वाव जो है वो मुअक्कद और मुअक्किद के दरमियान दाखिल नहीं होता। भाई क्यों नहीं दाखिल होता, कहते हैं लिशिद्दत इत्तिसाली बैनहुमा, बवजह उनमें शदीद इत्तिसाल होने के, कि मुअक्कद और मुअक्किद में शदीद इत्तिसाल होता है, और वाव तो किस पर दलालत करता है, इन्फिसाल पर। भाई औ बिज़मीर वहदहु अला ज़ौफिन, या जुमला इस्मिया अकेली जमीर के साथ आएगा, अला ज़ौफिन ज़ौफ पर, यानी सिर्फ जमीर के साथ रबत देना ज़ईफ है। लिअन्ना ज़मीर ला यजिबु अन यक़ा फिल इब्तिदाई, इसलिए क्योंकि जमीर के अंदर तो वाजिब नहीं है कि वह इब्तिदा में वाक़ हो, कभी जमीर शुरू में भी आ जाती है लेकिन वाजिब तो नहीं है। तो कहते हैं इसलिए क्योंकि जमीर में वाजिब नहीं है कि वो इब्तिदा में वाक़ हो, यानी जुमले की इब्तिदा में, फला यदुल्लु अला रब्ति फी अव्वलिल अम्री, तो वो जमीर जो है वो रबत पर दलालत नहीं करेगी अव्वल अम्र में, यानी आगाज में ही, जुमले के आगाज से पता नहीं चलेगा कि ये हाल है। नहु कल्लम तुहु फूहु इलाफिया, कल्लम तुहु मैंने उससे कलाम किया, इस हाल में के फूहु इलाफिया, उसका मुंह मेरे मुंह की तरफ था, यानी हम आमने सामने थे। फूहु इलाफिया, याद रखो ये फू मुजाफ है और हा जमीर मुजाफोन इले, इसी तरह फिया के अंदर फी मुजाफ है और या जमीर मुजाफोन इले। भाई देखिए ये फू ये वही फम है, फम अस्माए सिता मुकब्बरा मुहदा मुजाफा इला गैरी आयल मुतकल्लिम, इनमें जिक्र आया था फम का भी, फम याद रखो ये जो फम है ना, फम ये असल में था फवुन, क्या था फवुन, फा और वाव था, याद रखो।
ये जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा हैं ये सब महजूफतुल आजाज हैं। ये सब क्या हैं? महजूफतुल आजाज। आजाज जमा है आजुज की। आजुज कहते हैं पिछले धड़ को, हैवान का जो पिछला धड़ है, एक हिस्सा सर की जानिब है, एक वो जो पीछे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं आजुज। आप भी कोई जानवर लेने जाते हैं तो ये पिछले धड़ को देखते हैं, मतलब इससे पता चलता है कि हैवान कमजोर है या मोटा ताजा है। तो ये जो पिछला धड़ है इसको कहते हैं आजुज। तो ये जो अस्माए सित्ता हैं ये सब याद रखो महजूफतुल आजाज हैं, यानी इनके आखिर से हुरूफ को हजफ किया गया है खिलाफुल कियास। जैसे अखुन असल में क्या था? आखावुन। अबुन असल में क्या था? आबाबुन। देखो अखुन की आप जरा तस्निया ले आए, आखावान, ये वो कहां से आया? ये वही वो जो महजूफ था वापस आ गया। अब उनकी जरा तस्निया ले आए, आबावान, देखो ये वो वापस आ गया। इसी तरह ये जो फम है अस्माए सित्ता में से, ये फम असल में क्या था? फवुन था, फवुन। फिर वो मुतहर्रिक माकबल फतहा, तो वो को किससे बदलते हैं? अलिफ से, और आगे तनवीन का नून भी आ रहा है तो अलिफ भी साकिन और तनवीन वाला नून भी साकिन, तो इस अलिफ ने भी गिर जाना था तो सिर्फ फा रह जाती। तो लिहाजा इसका इलाज यह किया गया कि पहले से ही वाव को मीम से बदल दिया गया। अगर वाव को छोड़ देते तो उसने गिर जाना था, सिर्फ फा ने रह जाना था। तो लिहाजा उस वाव को किससे बदल दिया गया? मीम से। वाव भी शफवी यानी होंठों से अदा होता है। आप अदा करें जरा वाव, देखो जुबान का कोई दखल नहीं, और मीम भी होंठों से अदा होता है, फमुन, देखा? तो वाव भी शफवी था, मीम भी शफवी था, तो वाव को मीम से बदल दिया गया। फिर जब इसको इस्तेमाल किया जाता है जो फम को, तो बाज औकात इसी तरह मीम को बाकी रखते हैं और बाज औकात इससे मीम को गिरा देते हैं, इससे मीम को गिरा देते हैं। अगर मीम को बाकी रखें तो फिर तो इस पर एराब बिल हरकत आएगा, फमो का, फमा का, फमी का, देखो जबर जेर पेश आएगी। लेकिन ये तो अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है, ये उस सूरत में है जब इजाफत के वक्त इससे आखिर से मीम भी गिरा दें, मीम भी गिरा दें। मीम को जब गिरा दिया, अब अस्माए सित्ता मुकब्बरा का रफा किसके साथ आता है? वाव के साथ। तो क्या कहेंगे? फू का, फू का, देखो वो मीम गिर चुका है, अगर मीम होता तो फा मू का कहते, और अगर हालत नस्बी हो तो क्या कहेंगे? फा का यानी आपका मुंह, और अगर हालत जरी हो तो कैसे कहेंगे? फी का। सूरत समझ में आ गए? तो अस्माए सित्ता मुकब्बरा के अंदर जो फम है इसकी जब इजाफत करते हैं, कभी मीम को बाकी रखते हैं और कभी मीम को गिराकर सिर्फ फा को इस्तेमाल करते हैं, और साथ वो एराब आता है अलिफ वाव या। तो फूहु क्या माना? उसका मुंह। और फिया, एक फी के साथ या एराब वाली आ गई और एक या मुतकल्लिम वाली आ गई, दोनों का इदगाम कर दिया तो क्या बन गया? फिया। फूहु उसका मुंह, इला फिया मेरे मुंह की तरफ था, तो कहते हैं कलम तो हूं मैंने उससे कलाम किया, फूहु इला फिया इस हाल में कि उसका मुंह मेरे मुंह की तरफ था। याद रखो इसको कलम तो की ता जमीर से भी हाल बना सकते हैं, ता, और ता जमीर के साथ फिर रबत कैसे आया? फिया की या जमीर भी मुतकल्लिम की और ता जमीर भी मुतकल्लिम, तो रबत आ गया। और अगर आप चाहें तो कल्लम तुहू की हा जमीर से भी इसको हाल बना सकते हैं, और हा जमीर के साथ रबत कैसे आया? फूहू, ये जो हा जमीर है ये गायब की जमीर आगे रबत आ गया, तवज्जो है? तो यहां पर रबत सिर्फ किसके जरिए आया है? जमीर के जरिए आया है। कलम तुहु फूहु इला फिया मैंने उससे बात की इस हाल में कि उसका मुंह मेरे मुंह की तरफ था, फला बुद्ध मिन अलवावि अला सही, लिहाजा वाव का होना जरूरी है सही लुगत पर, सही लुगत पर वाव का होना जरूरी है। भाई इन्होंने क्या बताया? जुमला इस्मिया का रबत वाव और जमीर दोनों से भी दे सकते हो, सिर्फ जमीर से भी दे सकते हो, सिर्फ वाव से भी दे सकते हो, लेकिन जमीर के साथ सिर्फ रबत देना ज़ईफ है, और बाकी दोनों सूरतों में तो वाव है, चाहे वाव अकेला हो या वाव के साथ जमीर हो, तो सही लुगत के मुताबिक वाव का होना जरूरी है, और अगर आप वाव के बगैर लाते हो तो फिर ये ज़ईफ लुगत है। बात समझ में आ गई भाई? इन्होंने क्या कहा कि जुमला इस्मिया हाल वाके हो
तो फिर वाव और जमीर दोनों के साथ रबत दिया जाएगा या सिर्फ वाव के साथ रबत दिया जाएगा, और अगर सिर्फ जमीर से रबत दिया जाए तो यह ज़ईफ है। भाई वजह समझ लो, दोबारा वजह समझ लो। भाई वजह यह है कि ये जो जुमला इस्मिया है, इन्होंने आपको बताया ये इस्तिकलाल में सबसे बढ़कर है, और आप यहां उसको जोड़ना चाहते हैं, हाल बनाना चाहते हैं, और हाल जो है वो तो जुलहाल के ताबे होता है। जुलहाल जो है वो महकूमुन अलै यानी मुबतदा के दर्जे में होता है, और उससे आगे जो हाल आ रहा हो वो उस पर हुक्म लगाया जा रहा है, गोया वो उसके लिए खबर के दर्जे में है। तो जब आप जुमला इस्मिया को हाल बनाना चाहते हैं तो जुमला इस्मिया वो तो जुमला भी है, मुस्तकिल भी है, और फिर इस्तिकलाल में सबसे बढ़कर है, इसलिए क्योंकि ये अज्जा के एतबार से भी मुस्तकिल है, क्योंकि जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा आएगा और एक खबर, मुब्तदा भी अमूमन इसम और खबर भी अमूमन इसम होगी, और इसम आप जानते हैं कि वो मुस्नद भी वाक़े हो सकता है और मुस्नद इलै भी, जबकि फेल सिर्फ मुस्नद वाक़े होता है, और हर्फ ना मुस्नद वाक़े होता है और ना मुस्नद इलै। तो मालूम हुआ इसम जो है इनमें सबसे कवी है, दो इसम भी मिल जाए तो कलाम पूरा बन जाएगा, क्योंकि एक मुस्नद इलै बनेगा और एक मुस्नद बन जाएगा। तो जब आप वो जुमला जो इस्तिकलाल के एतबार से सबसे कवी है, आप उसको मुस्तकिल नहीं छोड़ना चाहते बल्कि उसको ताबिया बनाना चाहते हैं, तो फिर कवी रबत चाहिए, लिहाजा वो और जमीर दोनों के साथ रबत दिया जाएगा, और अगर दोनों के जरिए नहीं हो सकता तो कम अज कम वो के साथ रबत दिया जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में चाहे वो और जमीर दोनों से दें या वो के साथ आप रबत दें, तो इब्तिदा से ही पता चल जाएगा, वह उस जुमले के शुरू में आएगा, तो इब्तिदा से ही पता चल जाएगा कि यह जुमला इस्मिया जो कि इस्तिकलाल में सबसे ज्यादा कवी है, यह इस वक्त मुस्तकिल नहीं है बल्कि यह माकबल के ताबिया है, माकबल से यह हाल वाके हो रहा है। जबकि जमीर उसका तो शुरू में आना वाजिब ही नहीं है, वो तो कभी शुरू में आएगी, कभी दरमियान में आएगी, कभी आखिर में आएगी। भाई तो अगर आप शुरू में वाव नहीं लाएंगे तो जुमला इस्मिया आते ही जहन में आएगा कि शायद ये मुस्तकिल जुमला है, और फिर आगे दरमियान में या आखिर में जाकर पता चलेगा कि नहीं, ये तो माकबल से हाल वाके हो रहा है। तो लिहाजा जब जुमला इस्मिया इस्तिकलाल में सबसे कवी है तो या तो सबसे कवी राबता चाहिए या कम अज कम वो चाहिए, ताकि शुरू से ही पता चल जाए कि यह जुमला मुस्तकिल नहीं है, अलग बात इसमें नहीं हो रही बल्कि यह माकबल के ताबिया है। भाई और अगर सिर्फ जमीर से रबत देते हैं और सबसे कवी जुमला है इस्तिकलाल के एतबार से, तो फिर यह ज़ईफ है, क्योंकि अव्वल अमर से पता नहीं चलेगा कि यह मुस्तकिल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फला बुद्दा मिन अलवावि अला सहीह, तो वाव का होना जरूरी है सही लुगत पर। वल मुजारिउल मुसबतु, और मुजारे मुसबत जो है, अइल जुमलतुल फिअलियतुल लती यकूनुल फिअलु फीहा मुजारिअन मुसबतन, यानी वो जुमला फेलिया जिसके अंदर फेल जो है वो मुजारे मुसबत हो, मुतलब्बिसतुम बिज़मीर वहदहु, वो अकेली जमीर के साथ होगा, लिमुशाबहतिही लफ्जन औ मानन है आपकी किताबों में, औ है लफ्जन औ मानन, नहीं भाई ये किताबत की गलती है, बाकी जामी के नुस्खों में यहां वाव है, या यूं कह लो ये औ बमाने वाव के है, कभी कभार औ भी वाव के माना में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन बहरहाल जामी के दीगर नुस्खों में यहां वाव मौजूद है। लिमुशाबहतिही लफ्जन व मानन लिस्मिल फाइल मुस्तगनी अनिल वावी, भाई इधर देखिए ये फेले मुजारे को फेले मुजारे क्यों कहते हैं, कहते हैं इसलिए क्योंकि मुजारिअ का माना है मुशाबिह, ज़ारअ युज़ारिउ मुज़ारअतन, तो मुजारिअ इसमें फाइल है, क्या माना मुशाबिह, ये चूंकि फेले मुजारे जो है ये इसमें फाइल के मुशाबिह है। किस तरह मुशाबिह है, कहते हैं अदद हुरूफ में भी मुशाबिह है और हरकात सकनात में भी मुशाबिह है और नीज माना के एतबार से भी मुशाबिह है कि दोनों हाल और इस्तकबाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसमें फाइल भी हाल और इस्तकबाल के लिए और फेले मुजारे भी हाल और इस्तकबाल के लिए और नीज दोनों एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल होते हैं। जैदुन कायमुन भी कहते हैं आप और जैदुन यकूमु भी आप कहते हैं, तो कायमुन की जगह यकूमु ले आए, एक ही बात है। तो लफ्जन भी मुशाबहत है फेले मुजारे की इसमें फाइल के साथ और मानन भी, लफ्जन क्या मुशाबहत, दोनों के हरूफ एक जितने होंगे, काम यकूम, यकूम में कितने हरूफ,
फिल मुजारे है चार हरूफ, कायमुन इसमें फाइल में भी कितने हरूफ, चार हरूफ है, मुकरिमुन इसमें फाइल में कितने हरूफ, चार, युकरिमु इसका जो मुजारे है उसमें भी कितने हरूफ, चार, मुस्तखरिजुन, मुस्तखरिजुन इसमें फाइल में छह हरूफ हैं, यस्तखरिजु फिल मुजारे में भी छह हरूफ हैं, बात समझ में आ रही। और नीज हरकात और सकनात भी एक जैसी हैं, जैसे जारिबुन और यजरिबु, जारिबुन ज़ाद पर हरकत है और अगला हर्फ साकिन, यजरिमु में भी शुरू में हरकत है और अगला हर्फ साकिन है, और जारिबुन तीसरा हर्फ मुतहर्रिक है और यजरिबु में भी तीसरा हर्फ मुतहर्रिक है। हरकतें एक जैसी होना जरूरी नहीं है, हां मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक आएगा, साकिन के मुकाबले में साकिन आएगा। जैसे जैसे यस्तखरिजु, यस्तखरिजु पहला मुतहर्रिक फिर साकिन फिर मुतहर्रिक फिर साकिन, मुस्तखरिजुन में भी देख लें, मुस्तखरिजुन पहला मुतहर्रिक फिर साकिन फिर मुतहर्रिक फिर साकिन, तो देखो अदद हरूफ भी बराबर और हरकात और सकनात भी एक जैसी हैं और नीज माना में भी एक जैसे हैं। माना में एक जैसे क्या है, किस तरह हैं कि दोनों हाल और इस्तकबाल के लिए आते हैं, फिले मुजारे भी और इसमें फाइल भी, और नीज एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल होते हैं, तो दोनों एक दूसरे जैसे हैं। और इसमें फाइल जब हाल वाक़े होता है वहां तो वाव नहीं लाते, जानी जैदुन राकिबन, ये राकिबन इसमें फाइल है, हाल वाक़े हो रहा है, यहां वाव नहीं आप ला सकते, जानी जैदुन व राकिबन, तो जब इसमें फाइल में वाव नहीं ला सकते तो जो इसके मुशाबे फेले मुजारे है वहां भी वाव नहीं ला सकते, वहां भी सिर्फ जमीर से रबत देंगे। तो कहते हैं फेले मुजारे जो है बिस जमीर वहदहू अकेली जमीर के साथ होगा, ली मुशाबहती ही लफ्जन व मानन लिस्मिल फाइल, इसलिए क्योंकि इसकी मुशाबहत लफ्जन और मानन है उस इसमें फाइल के साथ, अल मुस्तगनी अनिल वावी जो वव से बेनियाज है यानी उसको वव की हाजत नहीं, नहु जा अनी जैदुन यसराउ आया मेरे पास जैद इस हाल में कि वो तेजी कर रहा था, तो जा अनी जैदुन यसराउ, देखो यहां वव नहीं आप ला सकते, फेले मुजारे हाल वाके हो रहा है, सरिया यसराउ का क्या माना है, तेजी करना एक काम में जल्दी करना, व मा सिवाहु मा ऐ मा सिवल जुमलतिल इस्मियति वल फ़िअलियतिल मुश्तमिलति, व मा सिवाहु मा इधर देखिए, और इन दोनों के अलावा जो हैं, इन दोनों के अलावा कौन से दोनों, जुमला इस्मिया और फेले मुजारे मुस्बत, वो बयान कर रहे हैं, ऐ मा सिवल जुमलतिल इस्मियति वल फ़िअलियतिल मुश्तमिलति अलल मुजारिल मुस्बति, यानी जुमला इस्मिया के अलावा और वो जुमला फ़िअलिया जो मुश्तमिल हो फेले मुजारे मुस्बत पर, उसके अलावा, उसके अलावा जो जुमले हैं, भाई उसके अलावा कौन से जुमले हैं जे, मुजारे मनफी है और माजे मुस्बत और माजे मनफी, तो मीन के साथ उनको भी बयान कर रहे हैं, मीनल जुमलिल मुश्तमिलति अलल मुजारे अल मनफी अवल माजिल मुस्बती अविल मनफी, यानी कि वो जुमले जो मुश्तमिल हो मुजारे मनफी पर या माजी मुस्बत पर या माजी मनफी पर, बिल वाव व जमीर मान, या तो ये वाव और जमीर दोनों के साथ आएंगे यानी वाव और जमीर इकट्ठे होंगे, औ बि अहदिहिमा वहदहू, यानी इन दोनों में से किसी एक के अकेले के साथ होंगे, यानी या सिर्फ वाव होगा या सिर्फ जमीर होगी, मिन गैर ज़ौफिन इंद अल इक्तिफा बि ज़मीरी, बगैर किसी ज़ौफ के जब इक्तिफा किया जाए जमीर पर, जुमला इस्मिया पे तो जमीर पर इक्तिफा करते थे तो वो ज़ईफ होता था, लेकिन यहां कोई ज़ौफ नहीं है, लिअदमि क़ुव्वति इस्तिक़लालिहा, इधर देखिए इन्होंने आपको बतलाया कि भाई ये जो तीन किस्म के जुमले हैं जो मुश्तमिल हो फेले मुजारे मनफी पर या माजी मुस्बत पर या माजी मनफी पर, इनमें अगर सिर्फ जमीर के साथ भी रबत दे देंगे तो भी काफी है, ये ज़ईफ नहीं, इसलिए क्योंकि ये जो जुमले हैं इनमें उस दर्जे का इस्तिकलाल नहीं जिस दर्जे का इस्तिकलाल जुमला इस्मिया में था, तो इनके शुरू में वाव का लाना जरूरी नहीं है, सिर्फ जमीर से रबत देना भी काफी है, बात समझ में आ गई, क्योंकि इनका इस्तेकलाल जुमला इस्मिया के दर्जे का नहीं है भाई, तो ये माना है, कहते हैं मिन गैरी ज़ौफिन इंदल इक्तिफाई बिज़मीरी, बगैर किसी ज़ौफ के जब इक्तिफा किया जाए जमीर पर, लिअदमि क़ुव्वति इस्तिक़लालिहा कल इस्मियति, इसलिए क्योंकि इनमें इस्मिया की तरह क़ुव्वत इस्तिक़लाल नहीं है, फल मुजारेउल मनफी, तो मुजारे मनफी जो है, नहु जा अनी, अब आगे सिर्फ मिसालें देंगे,
पहले मिसाल ला रहे हैं, इधर देखिए फेले मुजारे मनफी की, और उससे तीन अलग अलग मिसालें देंगे। एक में रबत देंगे जमीर और वाव दोनों से, फिर एक में रबत देंगे सिर्फ जमीर के साथ, और फिर एक में रबत सिर्फ वाव के साथ देंगे। देखिए जा अनी जैदू व मा यतकल्लमु गुलामुहु, जा अनी जैदून यह है जुमला, और इसके अंदर यह जैदून जुलहाल है, व मा यतकल्लमु गुलामुहु यह पूरा जुमला हाल है, और इसके शुरू में देखो फेले मुजारे मनफी है मा यतकल्लमु, और रबत वाव के जरिए भी है और गुलामुहू के हा जमीर के जरिए भी है। जा अनी जैदुन, आया मेरे पास जैद, व मा यतकल्लमु गुलामुहू इस हाल में कि उसका गुलाम बात नहीं कर रहा था। और जा अनी जैदुन मा यतकल्लमु गुलामुहू, अब देखो वाव खत्म कर दिया, सिर्फ गुलामुहू की हा जमीर रबत दे रही है। और जा अनी जैदुन व मा यतकल्लमु अमरुन, अब देखो गुलामुहू की जगह अमरुन ले आए, अब रबत सिर्फ वाव के जरिए है। जा अनी जैदुन मेरे पास जैद आया, व मा यतकल्लमु अमरुन इस हाल में कि अमर कलाम नहीं कर रहा था। वल माजिल मुस्बतु, और माजी मुस्बत जो है, अब तीन मिसालें देंगे माजी की जिसमें जुमला फेलिया होगा माजी मुस्बत के साथ। पहली मिसाल में रबत किससे होगा, वाव और जमीर दोनों से, दूसरी मिसाल में सिर्फ जमीर से, और तीसरी मिसाल में सिर्फ वाव से। तो कहते हैं नहु जा अनी जैदुन वकद खराजा गुलामुहू, आया मेरे पास जैद और इस हाल में कि उसका गुलाम निकला था, यहां वाव भी है और गुलामुहू की हा जमीर भी है। औ जा अनी जैदुन कद खराजा गुलामुहू, यहां रबत सिर्फ गुलामुहू की हा जमीर के जरिए है। और कद भी देख लें, माजी जब हाल वाके हो माजी मुस्बत तो उसके शुरू में कद लाया जाता है, आगे साहिब काफिया भी बतलाएंगे, तो यहां इसलिए यह कद लेकर आए हैं खराजा से पहले। औ जा अनी जैदुन वकद खराजा अमरुन, आया मेरे पास जैद इस हाल में कि अमर निकला था। वल माजिल मनफी, और माजी मनफी जो है, अब देखो माजी मनफी में वही तीन मिसालें जिक्र करेंगे, माजी मनफी हाल बनेगा, और पहली मिसाल में रबत व और जमीर दोनों से होगा, दूसरी मिसाल में रबत सिर्फ जमीर से होगा, और तीसरी मिसाल में रबत सिर्फ वाव के जरिए होगा। जा अनी जैदुन व मा खराजा गुलामुहू, तो यहां देखो रबत वाव के जरिए भी है और गुलामुहू की हा जमीर के जरिए भी। औ जा अनी जैदुन मा खराजा गुलामुहू, यहां सिर्फ गुलामुहू की हा जमीर के जरिए रबत है। औ जा अनी जैदुन व मा खराजा अमरुन, आया मेरे पास जैद इस हाल में कि अमर नहीं निकला था, यहां देखो माजी मनफी है और रबत सिर्फ वाव के जरिए दिया गया। बात समझ में आ गए, सारा हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।